हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चों? सब कुछ ठीक ठाक? देखो, आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है आपका। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लिखिए मेरे साथ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने में। 11th क्लास ऑनवर्ड क्या होता है, इस चैप्टर में बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। हम लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं कि यार 10-12 एंट्री रट लो, काम खत्म हो जाएगा। हम वो काम नहीं करेंगे, हमें इसको समझते हुए काम करना है, ठीक है ना? आप साथ दोगे ना मेरा? सर हाँ जी, सर हाँ जी, बताओ सर क्या करना चाहते हो। देखो, मैं इस चैप्टर का आपको मीनिंग समझाऊँ, ये एक्चुअली चैप्टर है क्या, और इसको समझने के लिए ना आप क्या करेंगे, मेरे साथ ही डायग्राम देखेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ बना सकते हैं डायग्राम। देखो जरा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। देखो, मान लो यहाँ पे एक फॉर्म है, एक फॉर्म। इस फॉर्म ने क्या किया, मैं कुछ कंडीशन दिमाग में ला रहा हूँ आपके। ये देखिए, फॉर्म ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया मेरे बच्चे, गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मान लो मिस्टर एक्स को। और ये गुड्स जो सोल्ड किया हमने क्रेडिट पे, सपोज दैट मान लो 2 लाख रुपए का है, ठीक है ना? तो फॉर्म ने क्या किया, गुड्स बेचा एक्स को 2 लाख रुपए का। फॉर्म ने पूछा कि एक्स, ये पैसा तुम मुझे कब दोगे? एक्स ने कहा कि ये पैसा मैं आज से 3 मंथ्स के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। फॉर्म ने उन पर विश्वास कर लिया कि ठीक है, मैं 3 महीने के बाद आऊँगा, आपसे पैसा ले लूँगा। जरा मुझे बताओ ना, 3 महीने गुजरने के बाद जब फर्म एक्स से पैसा मांगने जाएगा और एक्स ने पैसा पे करने से मना कर दिया, तो फिर उस टाइम पर फर्म क्या करेगा बच्चे? क्या उपाय इसके पास है? सर फर्म इस पर केस करेगा। कैसे केस करेगा? आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, आपने उनको गुड्स बेचा, वो गुड्स क्या करे, खा चुके बच्चे, खत्म कर चुके हैं, पता नहीं गुड्स कहां कहां जा चुके हैं। अब गुड्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, आपने इनसे कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं कराया था, कुछ रिटर्न भी नहीं लिया था। तो फिर बच्चे उस केस में अगर 3 महीने के बाद एक पैसा पे करने से मना करेगा तो आपके पास कोई भी इस बात का प्रूफ नहीं है। और ऐसे बिजनेस में इतने रिस्क हो जाते हैं कि लोग पैसा डुबाना शुरू कर देंगे और आप खराब हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो बच्चे इस रिस्क से बचने के लिए फर्म क्या करेगा, ध्यान दो, यहाँ पे एक पेपर लेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना शब्दों को, ये पेपर लेगा और फर्म इस पेपर पे लिखेगा कि एक्स तुमने मुझसे 2 लाख का कर्ज लिया है और ये पैसा तुम कसम खा रहे हो कि आज से 3 मंथ्स के बाद वापस कर दोगे। इस बात को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाएगा हम बाद में बताएंगे। फर्म क्या करेगा बच्चे, इस पेपर पे ये बात लिखेगा। जरा बताओ ये बातें किसने लिखी है, बताओ ये कागज जो है, ये जो बिल है, किसने ड्रॉ किया है? सिर्फ फर्म ने। हाँ बच्चे, फर्म ने ड्रॉ किया। तो फर्म को ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉवर कहेंगे। ड्रॉवर यानी कि जिसने इस बिल को ड्रॉ किया उसको ड्रॉवर कहते हैं। इस बिल पे जरा बताओ, ये बिल क्या पूरा हो चुका, नहीं हो चुका? जब तक इस बिल पे एक्स अपना साइन ना कर दे, यानी कि अपने सहमति ना दे दे, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे बच्चे एक फर्म ने क्या किया, इस पे लिखा कि आपने मुझसे 2 लाख का कर्ज लिया है और ये पैसा आज से 3 महीने के बाद मुझे वापस कर दोगे। इस बिल पे क्या होगा, एक्स क्या करेगा, साइन करेगा, मतलब अपना एक्सेप्टेंस देगा। ध्यान दीजिए, इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस दिया है। जो इस बिल पे एक्सेप्टेंस देगा मेरे बच्चे, हम उसको ड्रॉवी कहेंगे। ड्रॉवी इस चैप्टर के अंदर में आप ड्रॉवी कह सकते हो, आप इनको एक्सेप्टर भी कह सकते हो। एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्टेंस दिया अपना, एक्सेप्टर आपका। चिंता नहीं करना, इनको थ्योरी में मैं पॉइंट वाइज आपको लिखाऊंगा, फिलहाल मैं चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। ये बिल जो है ना, जिस बिल को आपने ड्रॉ किया और आपने क्या किया, जिस साइन किया, यही बिल फर्म के लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। यही बिल इनके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। इस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा रिसीव करना है, रिसीव करना है, मुझे पैसा लेना है मेरे बच्चे। मेरा ये एसेट्स होता है, मेरी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि मुझे आपसे पैसा लेना है। अब देखो, यही बिल इन्होंने क्या बोला कि मैं इसके अगेंस्ट आपको पैसा पे कर दूंगा, इसका कसम खा रहा हूं। तो मेरे बच्चे ये बिल जो है ना, इन्होंने इसके अगेंस्ट पैसा पे करना है, तो इनके लिए यही बिल यहां कहा जाता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, ध्यान दीजिए, कागज वही है
लेकिन कागज को इनके लिए एसेट्स यानी कि बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा और इनके लिए क्या कहा जाएगा, बिल्स पेबल, इसमें कोई डाउट ना हो कि बिल्स पेबल इनकी लायबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो ना, बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी, सर हाँ जी, आ रही बात समझ में? देखो मुझे इन सारी बातों को आपको क्या करना है, क्वेश्चन में समझाना है न्यूमेरिकली। इन बातों को समझाने के लिए बच्चे मैंने कई सारे केसेज आपके साथ रेडी किए, मैं कम से कम 12-13 केसेज कराऊंगा और इस केस में पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा। तो मैं आपके लिए अभी ना, अब ये डायग्राम छोड़ के आप यहां आइए, मैं पहले आपके पास केस नंबर 1 कराना चाहता हूं। केस 1 में कराऊंगा यहां पे इफ बिल इज केप्ट, लिखिए मेरे साथ, इफ बिल इज केप्ट टिल मैच्योरिटी, इफ बिल इज केप्ट टिल मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। सर ऑनर्ड का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी कहां कुछ मैंने आपको समझाया है, लिखो तो पहले इफ बिल इज केप्ट टिल मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इसका मतलब मैं समझाता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं ना इसमें आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे बच्चे मैं करा रहा हूं सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का। लेकिन रुको, सावधानी, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना नहीं है, मैं खुद पढ़ाऊंगा। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बच्चे, उसी बात को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ना नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, पहले मेरी बात सुन लो, खुद मैं कहूँगा, मेरे साथ पढ़ना आपको अच्छा लगेगा। मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपका इसका सोल्यूशन रेडी करता हूँ, देखो ना। और हाँ, आज मैं सिखा रहा हूँ, पहले एंट्रीज जो करा रहा हूँ बच्चे वो है इन द बुक ऑफ फर्म। आज हम लोग क्या करेंगे, फर्म के बुक में, यानी कि जो हमारा ड्रॉवर है हम उसके बुक में आपको एंट्रीज दिखाते हैं, देखो ना आपको अच्छा लगेगा। फर्म ने क्या किया बच्चे, फर्म ने क्या किया, एक तो एक्स को गुड्स बेचा 2 लाख का। जरा बताओ गुड्स बेचने की क्या एंट्री होती है? तो फर्स्ट एंट्री, जब गुड्स बेचेंगे तो एक्स मेरा बन गया डेटर, है ना बच्चे, हमने पढ़ा हुआ है डेटर हमारा एसेट्स होता है वरना डेबिट करते हैं। तो 2 लाख से हमने क्या किया, डेटर्स को बढ़ा दिया और हमने क्या बोला जी, 2 सेल्स अकाउंट, यानी कि हमने सेल्स करने की यहाँ पे एंट्री की है, सेल्स हमारा इनकम है बढ़ना क्रेडिट होता आपका, तो एक्स टू सेल्स, ये लिखो यहाँ पे एंट्री हुआ, बीइंग, नरेशन दे रहा हूँ मैं आपको ताकि रिविजन में दिक्कत ना हो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने जो गुड्स क्रेडिट पे बेचा है हम उसकी एंट्री यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्स टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? सर हाँ जी। अब देखो ना आपको अच्छा लगेगा, हमने यानी कि फर्म ने क्या किया, जब गुड्स बेचा था तो उसी टाइम पे एक्स से क्या रिसीव कर लिया, बिल्स रिसीवेबल, उसने प्रूफ लिया इस बात का कि भैया आप इसके अगेंस्ट समय पेमेंट कर दोगे। यानी कि अगली एंट्री में क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, अभी फर्म के बुक में बच्चे एक्स का नाम दिख रहा है, जब फर्म एक्स से बिल रिसीव कर लेगा, जब बिल रिसीव कर लेगा तो फर्म क्या करेगा, एक्स के नाम को अब अपने बुक से हटा देगा। कोई भी चीज़ जो हमारे डेबिट में अगर हमें हटाना होता तो हमें क्रेडिट करना होता, ये बात आप जानते हैं। तो 2 लाख से हमने क्या किया, हटा दिया। और जरा बताओ एक्स के नाम पे जो नया एसेट्स मैं दिखाऊंगा उसका नाम क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो मैं बिल्स रिसीवेबल यानी कि शॉर्ट में BR लिख देता हूँ, अकाउंट को मैं यहाँ पर डेबिट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आपका एंट्री कंप्लीट हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू एक्स अकाउंट, लिख दो नरेशन, आपको रिविजन में दिक्कत ना हो इसलिए। बीइंग आपका बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, हमने क्या किया, बिल रिसीव जो रिसीव किया है फ्रॉम एक्स उसकी एंट्री पास की बच्चे। नरेशन आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस गाली मत लिखना, हम इसी को समझाते कि एंट्री किस बात की है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो फिर कहानी आगे बढ़ी, फर्म ने आपसे गुड्स बेच दिया और आपसे क्या रिसीव कर लिया, बिल्स रिसीवेबल। अब देखो 3 महीने गुजरने के बाद, यानी कि जब 3 महीने गुजर जाएंगे, 3 मंथ्स के बाद आप ड्यू डेट पे किसके पास जाओगे जी, एक से, और एक से क्या करोगे, पैसा रिसीव कर लोगे। ये होगा ना बच्चे, जब 3 महीने गुजर गए तो 3 महीने के बाद क्या होगा जी, फर्म एक्स के पास जाएगा और वो कागज जो बिल्स रिसीवेबल है वो कागज इनको वापस कर देगा और उसे क्या रिसीव कर लेगा, पैसा रिसीव कर लेगा, कैश रिसीव कर लेगा। मतलब ड्यू डेट पे क्या होने वाला, इमेजिन करना, जैसे जैसे बता रहा हूं, फर्म एक्स के पास गया होगा, एक्स को वो बिल्स रिसीवेबल यानी कागज उसने उनको वापस कर दिया होगा या फाड़ के फेंक दिया होगा और उसके बदले में कैश रिसीव कर लिया होगा, कैश। इसकी एंट्री कैसे क्या होगी मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं जी, ड्यू डेट पे,
ड्यू डेट पे आपके यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी। ये तो तब हुआ था जब गुड्स बेचा, ये हमने स्टार्टिंग में बिल रिसीव कर लिया। अब ड्यू डेट यानी कि 3 महीने के बाद क्या होगा उसको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मेरी बात सुनो। मैंने पहले इस दोनों एंट्री का आपको अल्टीमेट इंपैक्ट समझाना चाहता हूं। ये दो एंट्री करने के बाद हमारे फर्म में क्या सिचुएशन, जरा वो समझो। ये देखो अच्छा लगेगा, एक्स जो आपका डेबिट में था और क्रेडिट में आपने कैंसिल कर दिया, आपको जो रेड से कर रहा हूं आपको नहीं करना, ये समझा रहा हूं मैं आपको। एक्स डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया बच्चे, तो अब देखो हमारा इंपैक्ट क्या है। फर्म कहती है कि भैया 2 लाख का हमने सेल किया है, 2 लाख का हमने सेल किया है और उतने का हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी, बीआर पड़ा हुआ बच्चे, बिल्स रिसीवेबल। हमने 2 लाख का सेल किया है, उतने का हमारे पास बिल पड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, जब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट तो ध्यान दीजिए, इस बिल को मैं लेके चला गया एक्स के पास और एक्स से पैसा रिसीव कर लिया। जब इसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं अपने बुक से इस नाम को हटा दूंगा। जो बीआर डेबिट में था बच्चे, उससे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू बीआर अकाउंट। जरा बताओ कितने का बिल आपका है, सर 2 लाख। लीजिए हमने 2 लाख का बिल हटा दिया और इसके बदले में हमारे पास क्या आ गया होगा, सर कैश आ गया होगा। तो अब मैं कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, अमाउंट कितना आपका है 2 लाख का। बात समझ आ रही है? तो ड्यू डेट पर बच्चे हमने क्या किया, कैश रिसीव कर लिया। लिख दो नरेश ने यहाँ पे, बीइंग कैश रिसीव्ड, या फिर आप कह सकते हो चलो ठीक है ऑन ड्यू डेट। आप ड्यू डेट पे क्या हुआ, कैश आपने रिसीव कर लिया, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते थे बीइंग बिल ऑनर्ड हो गया, है ना। ये 3 एंट्री निकल के आए, 3 एंट्री जरा समझ लो। लिख लिया आपने पहले यहाँ पे सर हाँ। अब जरा देखो इस एंट्री के बाद इंपैक्ट क्या है जी, इस एंट्री के बाद बीआर जो डेबिट था बच्चे वो भी क्रेडिट होकर कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली अब 3 महीने के बाद फर्म के पास जो इंपैक्ट है कि भैया हमने 2 लाख का सेल किया है और 2 लाख रुपए हमारे पास कैश आ चुके हैं, ये इसका अल्टीमेट इंपैक्ट हुआ। अल्टीमेट इंपैक्ट सर, अल्टीमेट इंपैक्ट क्यों बता रहे हो, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से बात समझ में आए कि जो एंट्रीज हम पास कर रहे हैं उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो ध्यान दीजिए हमने इस तरीके से काम किया। सर एक बात बताओ, क्या हम भी एग्जाम में ऐसे लाल लाल अक्षरों से काटेंगे? नहीं बदमाश, आपने थोड़ा ही काटना है। अरे मैंने आपको समझाया कि एंट्री का मीनिंग क्या हुआ, आपको सिर्फ एंट्री पास करके दिखाना है बस। आपका समझ में आ रही है? अब देखो जरा मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा था केस नंबर 1 में, इफ बिल इज केप्ट टिल मेच्योरिटी। बिल टिल मेच्योरिटी यानी कि 3 महीने फर्म ने अपने पास केप्ट यानी कि रखा था, और कहते हैं फिर आगे में ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ऑनर्ड का मतलब होता है कि उस बिल के अगेंस्ट हमें पैसा मिल गया, यानी कि एक्स के पास में पैसा गया और पैसा मिल गया, इसको बोलते हैं बच्चे ऑनर्ड हो जाना। तो ऑनर्ड के केस में उन्हें ये बातें बता दी। आई बात समझ में? सर हाँ जी। तो जरा एक काम करो, आप जरा पढ़ो मेरे साथ बुक का क्वेश्चन नंबर 1, देखो जरा क्या क्वेश्चन कुछ अलग है कि यही है। देखो ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है, कहता है क्वेश्चन में, फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 2 लाख एंड रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ्स ऑन द ड्यू डेट, कहता है बिल वाज मेट। मेरे बच्चे इसी को तो मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअली जो मैंने आपको डायग्राम बताया, डायग्राम आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही था, उसी को मैंने आपको यहां पे सॉल्यूशन के रूप में दिया है। बात समझ में आ गई? सर हाँ जी। सर एग्जाम में डायग्राम दिखाना है? नहीं दिखाना, मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि मीनिंग क्या निकल के आता है। चलो जी ये काम खत्म हो गया। ध्यान दीजिए अभी तक मैंने थ्योरी में क्या बताया आपको, यहाँ फर्म को हम क्या बोलेंगे, ड्रोअर, जो बिल लिख रहा है उसको ड्रोअर कह रहे हैं, और यहाँ पे एक्स कौन है बच्चे, ड्रोई है। ड्रोई कह दो या एक्सेप्टर कह दो, मीनिंग सेम निकल के आता है। तो ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। सर आगे बताओ क्या करना है। देखो मैंने केस 1 आपको समझा दिया जिसमें बिल अपने पास रखा और आपने ऑनर्ड किया। सर और भी एंट्री करा दो ना केस 1 में, बहुत एंट्री करेंगे बच्चे, क्यों चिंता कर रहे हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कहा ना जब चैप्टर में एंड कराऊंगा तो आपकी पूरी मास्टरी करा दूंगा, इस बात का कसम खाता हूं, आप चिंता नहीं करना, जस्ट थोड़ा पेशेंस वाइज मेरी बातें सुनते चलो, अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा चैप्टर है। अब जरा आ जाओ केस नंबर टू। सर ये क्या है, लिखिए, इफ बिल इज डिस्काउंटेड, इफ बिल इज डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब सुनो मेरी बात, कहता है कि बिल हमने डिस्काउंट किया है। बिल डिस्काउंट करने का मतलब होता है बिल को बेच देना बच्चे, बिल को बेच देना। सर बेचना कैसे, अभी दिखाता हूं। पर लिखो आप, इफ बिल इज डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट,
पता है, इसमें मैं आपके बुक का सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। सिर्फ पढ़ लें अभी नहीं, क्वेश्चन में जब पढ़ाऊंगा तभी पढ़ना है। पहले क्वेश्चन की बातों को ना मैं प्रैक्टिकली आपको यहां पर दिखाता हूं कि क्वेश्चन है क्या। सुनिए मेरी बात, सुनिए, लिखना बंद करेंगे आप, लिखना बंद करेंगे। देखो, फर्म ने गुड्स बेचा था, अभी बताया था हमने किसको जी, एक्स को। कितने का सेल किया था बच्चे? फिर 2 लाख का। ठीक है, आप जरा एंट्री करो मेरे साथ, यहां पर एंट्री करो। तो पहले बताओ, हम लोग एंट्री किसके बुक में सीख रहे हैं? इन द बुक ऑफ फर्म। आज हम जितनी सारी बातें करेंगे, सारी बातें फर्म यानी कि ड्रॉअर के बुक में हो रहा है। ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगा हम अलग से देखेंगे। पहले हम ड्रॉअर के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे बताइए कि जब फर्म ने गुड्स बेचा एक्स को, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सर, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। हाँ बच्चे, कितने से एंट्री? 2 लाख का। ये लीजिए, 2 लाख की एंट्री पास की, अभी हमने देखा था। इसके बाद क्या हुआ कि फर्म ने एक से क्या रिसीव किया था जी? बिल्स रिसीवेबल। कितने का? 2 लाख का। जितना गुड्स बेचा उतने का ही। तो जरा बताओ, फर्म ने जो बिल रिसीव किया उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? यहां देखो, फर्म अब अपने बुक्स के एक्स के नाम को हटा देगा। वो जो एक्स के नाम उसने डेबिट किया था, अब उसको हटा देगा, क्रेडिट कर देगा बच्चे 2 लाख के। और जरा बताओ, इसके जगह पे कौन से नाम को दिखाएगा? सर, बिल्स रिसीवेबल। उनसे हमने जो कानूनी पेपर पे साइन कराया है, जिसको हम बिल्स रिसीवेबल आपके लिए कहेंगे, हम वो लेकर आए। तो ध्यान दीजिए, अब हमारा पास इम्पैक्ट क्या बचे? इम्पैक्ट क्या है? एक्स का अकाउंट खत्म हो चुका है, हमने जो 2 लाख का सेल किया है उसके बदले में एक बिल पड़ा हुआ हमारे पास जो 2 लाख रुपए का है। बात समझ आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, आगे बताओ। पता है मुझे, ये बताइए कि फर्म ने जो ये बिल साइन कराया है, इसमें पीरियड कितना लिखा हुआ है? 3 मंथ्स, मान लो 3 महीने आपका। एक सवाल का जवाब दो कि फर्म ने इनसे एक पेपर पर साइन कराया है, जिसमें एक्स ने साइन किया है कि आज से 3 महीने के बाद मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। आज से 3 महीने के बाद क्या करूंगा जी? मैं पैसा आपको वापस कर दूंगा। इस पर फर्म ने क्या क्या साइन कराया है? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मान लो फर्म को आज पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, अगर फर्म को आज अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, मान लो इसका बच्चा बीमार हो गया, बीवी बीमार हो गई है, कुछ भी मान लो, और इसको अचानक ही 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो जरा बताओ कि क्या आज जिस पे एक्स ने साइन किया है कि मैं पैसा 3 महीने के बाद आपको वापस करूंगा, क्या उसके बदले में एक्स से वो पैसा आज डिमांड कर सकता है? बच्चे बोलो ना। इन शॉर्ट, अगर फर्म को, क्योंकि बिल तो 3 महीने का है, अगर फर्म को अचानक आज पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाए 3 महीने के पहले, तो क्या फर्म इससे पैसा डिमांड कर सकता है? नहीं कर सकता। कानून इसको अलाउ नहीं करता बच्चे। कानून ने कहा है कि अगर आपने एग्रीमेंट 3 महीने का किया है, तो 3 महीने के पहले आप इनसे पैसा डिमांड नहीं कर सकते। अब देखो ना, अजीब सी स्थिति क्रिएट हो गई। पैसा इनको अर्जेंट चाहिए, लेकिन वो इनसे पैसा मांग नहीं सकते, क्योंकि एग्रीमेंट 3 महीने का आपका हो चुका है। अब बेचारा फर्म क्या करे? इस कागज के टुकड़े से मैं क्या करूं? देखो, इनके पास एक उपाय है। ये फर्म जो है ना बच्चे, ये अपने बैंक में जाएगा, मान लो HDFC बैंक, और बैंक में जाके बोलेगा कि बैंक भैया, मेरे पास 2 लाख का एक बिल पड़ा हुआ है। ऐसे तो बिल 3 महीने का है, लेकिन इस बिल को मैं आज ही आपको बेचना चाहता हूं। मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आप एक काम करो, ये बिल मुझसे परचेज कर लो। हाँ, आप ड्यूडेट पे इनसे पैसा मांगने जाना, और एक्स क्या करेगा? आपको पैसा पे कर देगा। क्यों पे कर देगा? क्योंकि मेरे बच्चे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि बिल्स रिसीवेबल जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो भी बिल लेकर इनके पास जाएगा, जो भी जाएगा, चाहे वो फर्म, ये चाहे कोई भी, एक्स को उसको पैसा पे करना होगा। एक्स बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि आपके पास बिल कहां से आया। ये अधिकार उसके पास नहीं बचे। हमारे कानून कहता है कि जो भी बिल आपके पास लेकर आएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जरा सुनना ध्यान से, यहां पे क्या हुआ। फर्म ने HDFC बैंक को कहा कि देखो जी, 2 लाख का बिल हमसे ले लो, और आप जाके उनसे पैसा ले लेना, आज मुझे पैसा दे दो, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हाँ, जो चार्जेज आपके बनेंगे, मैं वो देने को तैयार हूं, है ना बच्चे, क्योंकि बैंक को तो पैसा 3 महीने के बाद मिलेगा, और पैसा आज ले रहे हो तो बैंक तो कुछ चार्ज काटेगा। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे ये बिल परचेज करने को तैयार हूं, मैं इस बिल पे डिस्काउंट चार्ज जो काटूंगा, वो कहता है कि मान लो आपका 12% पर एनम के हिसाब से,
वो कहता है कि 12% के हिसाब से चार्ज करूंगा, तो फर्म कहता है कि डन, कोई दिक्कत नहीं है, आप 12% के हिसाब से 3 महीने का चार्ज काट लो, मुझे पैसा दे दो। मेरे बच्चे, अगर फर्म ने ये बिल HDFC बैंक को बेच दिया तो मेरे बच्चे बिल बेचना ही कहा जाता है बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंट कर लिया मतलब बिल बेच दिया, वही हमारा टॉपिक था। देखो जरा, इफ बिल इज डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट मतलब बैंक को बेच दिया और ड्यू डेट पे ऑनर आपका हो जाएगा। खैर, मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, पहली एंट्री, दूसरी, अब तीसरी एंट्री देखो क्या निकल गया। तीसरी एंट्री, मेरी बात समझना, देखो ये बिल जो बैंक के पास, फर्म के पास था ना बच्चे, इस बिल को फर्म ने क्या किया, HDFC बैंक को बेच दिया। तो ध्यान दो एंट्री क्या होने वाला है। अभी जो मेरे बुक में बिल्स रिसीवेबल दिख रहा था, जो बिल्स रिसीवेबल दिख रहा था, अब मेरे पास से यानी कि फर्म के पास से वो चला जाएगा। हमने बेच दिया, जब ये एसेट्स बेच दिया तो अब हमारे बुक में कैसे दिख सकता है, जो डेबिट था उसको क्रेडिट किया मतलब हमने हटा दिया। पर बच्चे, इसके बदले में बैंक कुछ चार्जेस काटेगा और बाकी पैसा आपको दे देगा। लेकिन जो पैसा देगा ना बैंक, इस बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, जो पैसा बैंक देगा वो बैंक कभी भी आपको कैश में नहीं देता। कैश में नहीं, ना 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 ना, कैश में नहीं दूंगा। जितना भी चार्ज है उसको काट के बाकी पैसा मैं आपके अकाउंट में जमा कर दूंगा, आपके अकाउंट में जमा कर दूंगा। क्योंकि अगर मान लो मैंने कैश आपको दे दिया तो मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं कि मैंने आपको पैसा दिया है, तो ये बैंक क्या करेगा बच्चे, इनके अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। देखो ना अब क्या होने वाला है, कुछ चार्जेज काट कर पैसा हमें मिल जाएगा, तो हमारा यानी कि फर्म का बैंक अकाउंट जो है ना वो बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट जो एक एसेट्स होता है, आप जानते हैं एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है बच्चे, बैंक डेबिट करेंगे। और हाँ, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे होंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज। जरा बताओ, बैंक जो डिस्काउंट चार्ज काटेगा वो फर्म का एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? बताओ, बैंक ने जो चार्जेस काटा इनसे वो इनका एक्सपेंस है कि इनकम है? सर, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस बढ़ने हमेशा डेबिट करते हैं, आप इस बात को जानते हैं। तो मैंने डेबिट में क्या लिख दिया जी, डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट, ठीक है ना। आप जरा देखते हैं कि हमें पैसा कितना मिलेगा, डिस्काउंट कितना कर देगा। तो मैं डिस्काउंट की वर्किंग आपको यहीं दिखा देता हूं, डिस्काउंट की वर्किंग। जरा बताओ बिल कितने का है, सर 2 लाख का, लीजिए 2 लाख। अब बताओ बैंक ने डिस्काउंट रेट कितना बोला है, 12%। आप चिंता नहीं करना, एग्जाम में जो भी रेट होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको याद नहीं करना। तो 2 लाख पे बैंक ने कहा कि 12% डिस्काउंट काटूंगा। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये रेट आपका पर एनम है, ये पर एनम आपका है, यानी कि 2 लाख पे 12% कितना हो गया, 24,000। बैंक 24,000 का डिस्काउंट काटेगा, लेकिन तब जब 1 साल का पीरियड होगा, क्योंकि मेरे बच्चे ये रेट पर एनम आपका है। बताओ बिल जो है बैंक के पास क्या 1 साल रहेगा, बोलो ना, क्या बिल बैंक के पास 1 साल रहेगा? नहीं सर, 3 महीने रहेगा। तो ठीक है, हमने कहा कि यार ये 24,000 जो आया वो तो 1 साल का है, 12 महीने का है, तो मैं इसको 12 महीने से डिवाइड कर देता हूं। जरा बताओ, अगर 24,000 1 साल का है मतलब 12 महीने का, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, अब बताओ कितने महीने का आ गया। सर 1 साल का अमाउंट अगर 12 महीने से डिवाइड किया तो 1 महीने का आ गया, हमें निकालना कितने महीने का है, 3। तो आप 3 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 मंथ्स का आ जाएगा। कितना अमाउंट हो गया जी, 6,000। ये लीजिए, 2 लाख में बैंक ने 6,000 चार्जेस काटे होंगे और मेरे बच्चे 1,94,000 आपको यहां पे दे दिया होगा। बैंक ने क्या क्या होगा, 2 लाख का बिल आपसे ले लिया, बोला कि ठीक है जी, इस बिल से हम जाके पैसा कलेक्ट कर लेंगे, और उसके बदले में आज ही जिस दिन आपने बिल लिखा था उसी दिन क्या हुआ जी, आपने डिस्काउंट किया तो 194 कैश मिल गया, 6,000 का ऊपर डिस्काउंट कट गया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, फोर्थ एंट्री जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं ड्यू डेट का, ड्यू डेट मतलब 3 महीने के बाद। मेरी बात सुनना, ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है एग्जैक्टली, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, चिंता नहीं करना। अभी जितना बोलना उतने ही दिमाग में फोकस कीजिए, चैप्टर खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देखो जनाब, जरा बताओ फर्म के पास क्या बिल रहा क्या? नहीं सर, फर्म ने बिल बेच दिया है। ये बिल किसका हो चुका है जी, बैंक का हो चुका है, इनका बिल खत्म, ये पैसा ले चुके हैं। बताओ ड्यू डेट पे एक से पैसा मांगने कौन जाएगा? सर बैंक जाएगा। बैंक ने जरा बताओ एक से कितना कलेक्ट किया होगा? सर 2 लाख, 2 लाख का बिल था, 2 लाख मिला होगा। सिर्फ इतना बताओ कि जो 2 लाख रुपए एक से बैंक लेकर आया होगा, क्या बैंक वो पैसा फर्म को दे देगा बच्चे? बोलो ना,
जो हमने इनसे पैसा 2 लाख रुपए रिसीव किया है, क्या वो पैसा अब मैं ड्यू डेट पे इनको दे दूंगा? नहीं सर, ना 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 ना, अरे वो पैसा बैंक का हो चुका है, बैंक तो पहले ही आपको पैसा दे चुका है, दोबारा थोड़े देगा, वो तो उसका पैसा हो जाएगा। यानी कि ड्यू डेट पे जरा बताओ कि क्या मेरे अकाउंट्स में कोई चेंज आएगा? कुछ नहीं आएगा, बिल मैं पहले भेज चुका हूँ, पैसा ले चुका हूँ। अब ये दोनों आपस में देखे जी, क्योंकि इनसे पैसा कलेक्ट होगा तो ये रखेंगे, हमें थोड़े देंगे। यानी कि मेरे बच्चे ड्यू डेट पे यहाँ पे निकल के आएगा नो एंट्री, हमें कोई एंट्री पास नहीं करना। हमने तो बिल बेच दिया था, जब हमने बिल बेच दिया तो हम फिर एंट्री क्यों करेंगे जब हमें कोई मतलब ही नहीं बनता आपका। एंट्री तब पास करता हूँ जब मेरे अकाउंट्स में कुछ हलचल आएंगी, कुछ चेंजेज आएंगे। यहाँ कुछ चेंज ही नहीं आना, पहले ही बिल बेच दिया तो फिर कहाँ से कोई एंट्री बनेगा। आप प्लीज कॉपी करें, यहाँ पे 4 एंट्री। सर यहाँ नो एंट्री लिखा, क्या एग्जाम में लिखेंगे ड्यू डेट पे नो एंट्री? हाँ बच्चे, लिख देना क्या जाता है, ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख देना कि मुझे पता है भैया कि 4th एंट्री यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है ड्यू डेट पे आपका। अच्छा सर देखो, हमने 2 केस करा दिए। अब ध्यान दो, पहले वाले केस में बिल फर्म ने अपने पास रखा था बच्चे, और उसने क्या किया, ड्यू डेट पे जाके खुद पैसा कलेक्ट किया। इस सेकंड केस में क्या देख रहे हैं आप, कि बिल जो हमने है बैंक से डिस्काउंट कराया। अगर एक कोई साधारण इंसान जो आपका अकाउंट्स नहीं जानता, अगर वो आपसे पूछ दे कि यार बिल डिस्काउंट करने का क्या मतलब होता है, तो सिंपल शब्दों में कह देना कि बिल बैंक को बेच देना, क्योंकि बिल हमने पहले बेच दिया, कुछ पैसे डिस्काउंट चार्ज बैंक काटेगा और बाकी पैसा हमें देगा, तो उसी को बोलते बच्चे बिल डिस्काउंट, यानी कि बिल बेच देना। अरे एक मिनट, मैंने तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पता नहीं आज क्या हो गया, बहुत जल्दी बढ़ने का मन कर रहा है, मन करता है कि सब एक ही बार आपको समझा दूँ। जरा देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा बुक का क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ेंगे मेरे साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता कि फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर ₹2 लाख एंड रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। कहता कि बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय द फर्म एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन द ड्यू डेट। कहता है बिल मेट हो गया, इसी को तो एंट्री कराया बच्चे आपको। सर हाँ जी, ये तो ठीक है। तो जरा देखो, मैं केस नंबर 2 भी हटाता हूँ, अब मैं आता हूँ बच्चे केस नंबर 3 के पास। केस नंबर 3 बिल्कुल भी आगे पीछे भी आपको इफ और नहीं सोचना, जितने सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सवाल मेरे भी दिमाग में चलेंगे और मैं उनको ख़त्म करके ही चैप्टर ख़त्म करूँगा, आप चिंता नहीं करना। तो अभी आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है, कोई भी दिमाग में इफ और नहीं आना चाहिए। आओ जरा अब हम आते हैं केस नंबर 3, थर्ड केस के अंदर में। ये केस का नाम है, लिखिए, इफ बिल इज इंडोर्स्ड इंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। फिर इसका क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा, लिख दो पहले यहां पे। बिल हमने क्या किया जी, इंडोर्स किया और फिर मेट हो गया। इंडोर्समेंट का मतलब क्या, मैं आपको यहां दिखाऊं, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ आपकी मर्जी बनाओ चाहे ना बनाओ, क्योंकि सब में सेम बनाऊंगा समझाने के लिए, रिवीजन में ऐसे आपको हेल्प करेगा, ध्यान सुनना। जरा बताओ फर्म ने गुड्स किसको बेचा था? सर एक्स को। कितने का? 2 लाख का, 2 लाख का, ठीक है। मुझे बताओ एक्चुअली मैं क्या करूँ बच्चे, इसमें सोल्यूशन करा रहा हूँ बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आपको बुक में भी देखना नहीं है, मैं उसी क्वेश्चन को पहले वहाँ पर दिमाग में बैठा रहा हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फर्म ने गुड्स बेचा। अच्छा, एंट्रीज किसके बुक में हम लोग आज सीख रहे हैं? सर इन द बुक ऑफ फर्म, फर्म यानी कि ड्रोअर। ड्रोई के बुक में हम आज एंट्री नहीं सीख रहे बच्चे, हम अलग से उसको सीखेंगे। आज पहले हम इसको देखें ड्रोअर के बुक में क्या होगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से, फर्म ने गुड्स एक्स को बेचा। अब तो फर्म ने जब गुड्स एक्स को बेचा तो पहली एंट्री क्या बन गई यहाँ पे? सर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बताओ कितने के गुड्स बेचा हमने? 2 लाख का एंड 2 लाख का, ये लीजिए 2 लाख का गुड्स बिक गया आपका, ठीक है ना सर? हाँ, अगली एंट्री में आपको दिखा रहा हूँ, अगली एंट्री में क्या हो बच्चे, कि फर्म ने जो गुड्स बेचा था, बताओ फर्म ने एक से क्या रिसीव किया था? सर BR। कितने का था वो? 2 लाख का। तो मैं अगली एंट्री में क्या करूँगा कि एक्स के नाम को हटा दूंगा अपने बुक से हमेशा हमेशा के लिए एक्स को, और अब जो मैं एसेट्स अपना दिखाऊंगा उसका नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में BR कह देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम आपका है। ये लीजिए हमने क्या किया जी, आपका BR2X आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब सी यानी कि थर्ड एंट्री जो होगा उसको समझने के पहले मेरी बात ध्यान सुनना, जो एक कहानी सुनाना चाहता हूं, अगर वो समझ में आ गया तो फिर बात बन गई। देखो वो कहानी क्या है,
देखो मैं इस फर्म की हिस्ट्री में जाना चाहता हूं, इतिहास में। बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर सी। बच्चे इस सी ने क्या किया था, फर्म को बहुत पहले एक कर्ज दिया था, जो कर्ज था 2 लाख रुपए का। ये बहुत पहले की बात है कि फर्म ने क्या किया था, सी को एक फर्म ने क्या किया था, सी से एक कर्ज लिया था। बच्चे फर्म ने कर्ज लिया था, मतलब सी जो है ना वो फर्म का क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या, मेरी लायबिलिटी है जिससे मैंने कर्ज लिया था बहुत पहले। पता क्या होता था आज के पहले, ये सी फर्म से पैसा मांगने जब आता था तो फर्म कहता था कि पैसे मेरे पास है नहीं, मैं कहां से पे करूं। बेचारा सी वापस चला जाता था, बहुत सीधा इंसान। सी फिर कभी आया था पैसा मांगने कि पैसे दे दो, बोला कि पैसे है नहीं कहां से दूंगा। फिर सी आया था पैसा मांगने, पैसे दो, बोला कि पैसे नहीं कहां से दूंगा। मतलब ये बहुत बार हुआ बच्चे। आज हद हो गई है, हद। सी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अगर आज या तो मुझे पैसा मिलेगा या फिर मैं फर्म का खून करूंगा, बस एक ही काम करने वाला हूं। सी आया और आके सीधे फर्म का पकड़ लिया कॉलर, कहा कि आज तुम्हें मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, अगर तुमने आज मेरा पैसा नहीं दिया, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो आज खून खराबा होगा और कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात से क्या हुआ, फर्म डर गया, बोला कि ना ना ऐसा ना करो। लेकिन उसने कहा कि मैं भी मजबूर हूं, मैं करूं तो क्या करूं, पैसे मेरे पास नहीं है। सी ने कहा कि आज तो मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। तो पता है फिर क्या हुआ, फर्म ने कहा कि देखो कसम खा रहा हूं, सच्चे पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए का बिल जो हमने इनसे लिया था, और इन्होंने कमिट किया है लिखकर कि 3 महीने के बाद क्या करेंगे जी, हम आपका पेमेंट कर देंगे। तो देखो मैं आपका पैसा तो अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बिल है, आप चाहो तो ये बिल मैं आपको देने को तैयार हूं आपके इस 2 लाख के कर्ज के बदले में। मैं आपको ये बिल देने को तैयार हूं 2 लाख का इस कर्ज के बदले में, आप मुझसे आज बिल ले लो, 3 महीने के बाद आप इस बिल को लेकर एक्स के पास जाना, पैसा मांगना, एक्स पैसा पे कर देगा, क्योंकि कानून कहता है कि जो भी इस बिल को होल्ड करेगा ड्यू डेट पे उसको क्या होगा जी, एक्स पैसा पे कर देगा, वो क्वेश्चन रेज नहीं करेगा। तो सी कहता है कि ठीक है मुझे आप ये बिल दे दो, मैं जाके उनसे पैसा ले लूंगा। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, अगर फर्म ने ये बिल सी को दिया अपने कर्ज के बदले में, इसी को बोलते हैं बिल को इंडोर्स करना। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि अपने कर्ज यानी कि पेमेंट के बदले में मैंने क्या किया, आपको बिल दे दिया, तो हमने क्या किया, बिल सी को इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स कर दिया। सुनो ना ध्यान से, थर्ड एंट्री क्या होने वाला है, जब मैंने ये बिल सी को दे दिया पेमेंट के बदले में, तो यहां पे क्या होगा, मेरी बात सुनो। देखो बिल जो मेरे पास था ना बच्चे बीआर, अब वो तो चला जाएगा क्योंकि मेरे पास से चला गया, तो जो डेबिट में था हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। जरा बताओ बीआर कितने से क्रेडिट आपका हो गया, 2 लाख से आपका, 2 लाख रुपए से आपका 2 लाख का बिल चला गया। और मुझे बताओ कि कौन सी लायबिलिटी खत्म हो गई जी, सर सी की। तो आप क्या करना, लायबिलिटी जब कम होता है तो बच्चे हम डेबिट करते हैं, सी अकाउंट यहां पे डेबिट हो जाएगा कितने से जी, आपका 2 लाख से। बिल हमारे पास से चला गया और क्या हुआ जी, सी की आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, 2 लाख से एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। लिख दो इसका नरेशन आपका यहां पे, बीइंग बी आर यानी कि बिल इंडोर्स्ड, हमने क्या किया, बिल इंडोर्स कर दिया, किसको जी, टू सी है ना, हमने बिल सी को इंडोर्स कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं इस चैप्टर के अंदर में। पहले में हमने गुड्स बेचा, दूसरे में बिल रिसीव किया, तीसरे में ये बिल हमने क्या किया जी, सी को दे दिया पेमेंट के बदले में। अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि सर एक बार अल्टीमेट इंपैक्ट समझाओ ना, इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ, तो मैं आपको समझा दूं। ये देखो जरा आपका यहां देखो, अच्छा एक मिनट, अल्टीमेट इंपैक्ट के पहले मैं अगली एंट्री बता दूं, यहां पे ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे आपका, जरा आप मुझे बताओ, आप ही बताओ कि ड्यू डेट पे एक से पैसा मांगने कौन जाएगा, सर सी जाएगा। सी ने जब एक से पैसा कलेक्ट किया होगा तो जरा बताओ सी वो पैसा अपने पास रखेगा या फर्म को वापस कर देगा, सर अपने पास रखेगा, फर्म को क्यों देगा सर। तो जरा बताओ कि अगर इसने पैसा अपने पास रख लिया तो क्या इनके अकाउंट्स में कोई हलचल हुई बच्चे, कुछ इनके अकाउंट्स में चेंज होगा, नहीं होगा। अब तो इन्होंने जब बिल इनको दे दिया तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है,
इनके अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो मेरे बच्चे ड्यू डेट पे इनके बुक में क्या होगा, नो एंट्री। ध्यान दीजिए, हम किसके बुक में एंट्री सीख रहे हैं, ड्रॉअर के बुक में, तो कोई एंट्री यहाँ पास नहीं होगा, कोई एंट्री पास नहीं होगा। आप प्लीज कॉपी कर ले, इसको कॉपी कर ले, जल्दी से कॉपी करेंगे आप इसको, कॉपी करेंगे। सर हो गया, सर हो गया, सर आपने इनका नरेशन क्यों नहीं लिखा, लिखा तो था क्वेश्चन नंबर वन में, बार बार क्या लिखाना वही चीज़, आप बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, जो नई एंट्री आ रहा है उसको लिखा दे रहा हूँ, है ना, नई एंट्री को लिखा दे रहा हूँ आपका। अच्छा, मेरा मन ना बहुत बहुत व्याकुल है बच्चे, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हुआ, अल्टीमेट इम्पैक्ट फॉर्म के बुक में, ये देखिए आप अल्टीमेट इम्पैक्ट, एक्स जो हमारा डेबिट था और क्रेडिट था वो कैंसिल हो गया, जो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आए थे वो भी हमारे पास से चले गए। तो देखो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2 लाख का हमने सेल किया है, और जितना सेल किया उतने से मेरी लायबिलिटी भी खत्म हो गई, क्योंकि सेल का जो पैसा था हमने सी को दे दिया, है ना। तो अल्टीमेट इंपैक्ट क्या निकल गया बच्चे, 2 लाख का सेल किया और पहले से जो 2 लाख की लायबिलिटी थी उसका मैंने पेमेंट कर दिया, वो कर्ज खत्म हो गया आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी, सर हाँ जी, आई बात समझ में। सर एक काम करोगे, बोलो ना, क्या आप जो बोलो वो करने को तैयार हो, आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हो। सर इस केस नंबर 3 के अंदर में एक क्वेश्चन और करा दो ना, चलो फिर ठीक है, मान लिया आपकी बात, आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। मैं एक काम करता हूं, आपने कहा कि सर एक क्वेश्चन करा दो, तो लो मैं पहले केस नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हटाता हूं, और सेम केस के अंदर में, सेम केस, केस नंबर 3 के अंदर में बच्चे मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराता हूं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ठहरो जरा, ठहरो, आज क्यों इतना जल्दबाजी है, क्यों हमारी जल्दबाजी है? एक बार जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया, ये एक बार क्वेश्चन पढ़ ले क्या बुक में, क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसे कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी पढ़ लो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, पढ़िए मेरे साथ। फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर रुपीज 2 लाख, ये देखो गुड्स कितने का बेचा था, 2 लाख रुपए का। रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है जी, बिल 3 महीने का है। फर्म इंडोर्स्ड हिज एक्सेप्टेंस टू सी और क्रेडिटर फॉर 2 लाख, कहता है कि फर्म ने बिल इंडोर्स किया था सी को, जो क्रेडिटर कितने का है, 2 लाख का। बोलता है ऑन द ड्यू डेट बिल वाज मेड, ड्यू डेट पे जब सी इनके पास गया तो पैसा इसने पे कर दिया, यानी कि पैसा कलेक्ट हो चुका है ना, उसका एंट्री हो चुका। आई बात समझ में? सर हाँ। सर एक बात बताओ, सी अगर इनसे पैसा मांगने गया और मान लो एक्स ने पैसा पे करने से मना किया, तो फिर क्या होगा? मेरे बच्चे वो होते हैं केस ऑफ डिसऑनर्ड, बिल डिसऑन हो जाना, वो अभी आगे आएगा, चिंता नहीं करो, सब पढ़ाऊंगा, सब पेशेंस वाइज मेरी बात सुनते चलो। मैं एक समुद्र में आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे समुद्र में, अभी आपको किनारे पे मैं सिखा रहा हूँ तैरना कैसे है। तो आइए जरा, अब मैं केस नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में। सर पढ़ लें फोर्थ क्वेश्चन? ना, नहीं पढ़ना फोर्थ क्वेश्चन, अभी ना पढ़ो, पहले आप मेरे साथ यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो मैं फोर्थ क्वेश्चन को वहाँ पे आपको करा दूंगा। चेक कीजिए, देखो फोर्थ में क्वेश्चन क्या है बुक में, मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ना नहीं आपने, पढ़ना नहीं, मेरे साथ पढ़ना है बस। फर्म ने गुड्स किसको बेचा था जी, एक्स को। मेरे बच्चे इंडोर्समेंट के अंदर ही अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेम केस के अंदर में, थोड़ा और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। फर्म ने गुड्स बेचा था एक्स को कितने का, 2 लाख का। फर्म ने जरा बताओ क्या रिसीव किया था आपसे, सर बीआर कितने का, 2 लाख का। पहले यहां तक एंट्री कर लें, लिखिए फोर्थ में नंबर 1 पहला एंट्री, गुड्स बेचा तो हमने क्या बोला, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, एक्स टू सेल्स। बोलो ना कितने का सेल किया था, सर 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का गुड्स जो आपने सेल किया था उसकी एंट्री बन गई। फिर जरा देखो आपने एक्स से क्या रिसीव किया था, सर बीआर। तो आप एक काम करो, एक्स के नाम को हटाओ, डेबिट से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, सर क्रेडिट 2 लाख। और कहो ना मैं किसके नाम को डेबिट करूं, तो सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये लीजिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू आपका एक्स अकाउंट, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, पहली एंट्री गुड्स को बेचने का, दूसरी एंट्री में हमने क्या किया, बिल रिसीव किया। अब थर्ड एंट्री में आएंगे, सुनना मेरी बात, मैं पहले आपको यहां समझा दूं उसके बाद बात करूंगा। नजर यहां, यहां 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 बदमाश, इधर देखो यहां पे, यहां नंबर, यहां 3 में क्या बता रहे, पहले समझो। यहां पे बहुत पहले की बात है, एक आदमी था मिस्टर सी, फर्म ने इस सी से 2,20,000 का कर्ज लिया था बच्चे। मतलब सी कौन है जी, क्रेडिटर है, हम जिससे कर्ज लेते हैं, हमने जिससे कर्ज लिया वो हमारी लायबिलिटी होता है, हम उसको क्रेडिटर कहते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में सी का कर्ज 2 लाख रुपए था, इस पर कितना हो गया, 220 का अमाउंट। अब समझ लो मेरी बात। सर हाँ देखो ना,
आज हद हो गया है, मैंने बताया था कहानी पहले वाला, और सी गुस्से में आया और फर्म को बोला कि फर्म तुम्हें मेरा आज पैसा पे करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए पेमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या से क्या करूंगा तुम्हें भी नहीं पता। तो इस पे फर्म ने कहा कि देखो पैसे तो मेरे पास नहीं है, सच्ची बता रहा हूं, कसम खा रहा हूं पैसे नहीं है, लेकिन हां मेरे पास एक 2 लाख का बिल है, ये बिल मैं आपको देने को तैयार हूं, आप चाहो तो अपने कर्ज के बदले में आप मुझसे बिल ले लो, आप ड्यू डेट पे जाना, एक से पैसा मांगना, एक सबको पैसा पे कर देगा। सी ने कहा कि यार कर्ज तो मेरा 2,20,000 रुपए का है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कर्ज मेरा 220 का है और आप मुझे 2 लाख का बिल दे रहे हो, तो 220 में मुझे 2 लाख का ही तो पेमेंट मिला, बाकी 20,000 का क्या होगा, बाकी 20,000 का क्या होगा। तो देखो फर्म ने क्या किया, हाथ जोड़ लिया, बोला कि माफ कर दो, अब कुछ ना मांगना मुझसे, बस खत्म हो गई बात, मैं आपको इस 2,20,000 के बदले में 2 लाख का पेमेंट कर रहा हूं, मतलब अब आगे कुछ नहीं पे करूंगा। पर बच्चे ध्यान से एक शब्द को सुनना, एक शब्द को, जब फर्म ने 2 लाख का बिल देकर और पूरे 220 का कर्ज माफ करा लिया, मतलब पूरे के बदले में, तो कहते हैं कि जो पेमेंट किया गया है वो किया गया है इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। मेरी बात ध्यान सुनना, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि 2,20,000 के बदले में 2 लाख का पेमेंट किया गया, मतलब एक तरीके से 20,000 रुपए की आपको क्या मिल गया जी, डिस्काउंट मिल गया, माफी मिल गई, फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने बताया। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं इसकी अब एंट्री क्या बनेगी, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मुझे बताइए कि फर्म के पास से बिल कितने का चला गया, फिर 2 लाख का, तो जो डेबिट था ना बच्चे उससे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, लीजिए फर्म के पास से 2 लाख का बिल चला गया। लेकिन मुझे कोई बताएगा कि फर्म के ऊपर से जो सी का लायबिलिटी है, लायबिलिटी वो कितने से कम होगा? सर लायबिलिटी तो पूरे 220 से खत्म हो गया है ना, सी का कर्ज जो है बच्चे पूरे 220 से खत्म हो गया, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि इन फुल सेटलमेंट यानी कि 220 के बदले में 2 लाख का हमने पेमेंट किया है। तो जरा बताओ ना, लायबिलिटी 220 से खत्म हो गई, 2 लाख का बिल चला गया, मुझे बताओ कि 20,000 जो 20,000 रुपये फर्म ने कम पेमेंट किया है, जो कम पेमेंट किया वो फर्म का एक्सपेंस है कि इनकम है, बताओ फर्म का एक्सपेंस है कि इनकम है? सर फर्म का वो इनकम है, फायदा हो गया ना बच्चे, अरे 220 के बदले में 2 लाख का पेमेंट किया तो फर्म को तो फायदा हो गया, तो फर्म को जो फायदा हो गया वो इनकम है, डिस्काउंट, और इनकम का भरना हमेशा क्रेडिट करते हैं, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, तो डिस्काउंट अकाउंट हमने क्या किया 20,000 से यहां पे दिखा दिया। बात समझ में आ गई, आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो इससे मैं दे देता हूं नरेशन आपका, लिखिए बीइंग बी आर इंडोर्स्ड टू सी इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि पूरे कर्ज के बदले में हमने क्या किया जी, आपको यहां बिल दे दिया, तो पहले गुड्स बेचा, दूसरा हमने बिल दिया, तीसरा क्या जी, सी टू बी आर टू डिस्काउंट अकाउंट आपका, ठीक है ना। अब फोर्थ एंट्री पे आता हूं, जरा सुनो ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे क्या होगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अब ड्यू डेट पे एक से पैसा मांगने कौन जाएगा, फिर सी जाएगा। अब एक ने सी को पैसा पे कर दिया क्योंकि यहां कहता है जी ऑनर्ड हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, क्या सी इनको पैसा देगा? नहीं सर, पैसा अपने पास रखेगा। तो बताओ जरा फर्म के बुक में क्या हलचल होगा ड्यू डेट पे? सर नो एंट्री, जब हमने बिल पहले ही आपको दे दिया तो अब बिल का पैसा आपने रखना जी, मुझे थोड़े मिलना, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? सर हाँ, सर हाँ समझ में आ रही है, प्लीज कॉपी करें इसको आपका। सर इस केस में एक क्वेश्चन और करा दो ना, सर एक क्वेश्चन करा दो सर, मजा आ जाएगा। तो चलो मैं आपकी बात सुनता हूं, मैंने कहा ना मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है, लो मैं इसको मिटाता हूं और एक क्वेश्चन और इसी केस में कराता हूं, लो मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन इसी केस में कराता हूं। आप एक काम करो, ओहो फिर से वही बात, जरा आ जाओ बुक का क्वेश्चन में फोर्थ पढ़ना, अभी यह है ना यही फोर्थ क्वेश्चन है, सुनो जरा क्या बोल रहा है, बुक में आइए, बुक में फटाफट देखिए कि यही क्वेश्चन है कुछ अलग से आपका है, पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर रुपीज 2 लाख एंड रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, कहता कि फर्म इंडोर्स्ड हिज एक्सेप्टेंस टू सी अ क्रेडिटर फॉर 2,20,000, क्रेडिटर फॉर 2,20,000, ध्यान से आगे पढ़ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम।
फुल सेटलमेंट बचे, यानी कि फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना पेमेंट कर रहा हूं उससे पूरा कर्ज यहां पे खत्म किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका यहां पे बात बन गई। लीजिए जरा हमने क्या किया, आपका क्वेश्चन फोर्थ करा दिया क्योंकि आपने डिमांड किया, तो ऑन डिमांड मैं काम करूंगा, इसी केस में एक क्वेश्चन और कराऊंगा। आप डिमांड ना करते तो भी मैं कराता, क्योंकि मेरे बच्चे इस केस को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सर पढ़ ले, ना ना आप यहां देखो, आप यहां देखो, पढ़ना नहीं है आपको। जरा बताओ फर्म ने गुड्स किसको भेजा था, सर एक्स को। अब तो सर नींद भी आ रही है उसको सुनकर, लिखो तो आपके लिए करा रहा हूं। अच्छा बताओ फर्म ने क्या रिसीव किया था, बी आर कितने का था, 2 लाख का। ठीक है, तो पहले इसकी एंट्री पास कर ले हम लोग। लिखिए जरा नंबर 1 पहली एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बताओ ना कितने का अमाउंट है, सर 2 लाख का, 2 लाख रुपए आपका गुड्स बेचने की एंट्री होगी। मुझे बताइए अगली एंट्री यहां पे बिल्स रिसीव करने का क्या होगा, तो सर बी आर अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। अब ये एंट्री आप मुझसे दोबारा ना पूछो कि सर समझा दो, पहले मैं कितने सारे क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं। आगे आते हैं, ध्यान दो अब थर्ड एंट्री यहां पे क्या होने वाला है मेरे बच्चे। यहां पे मिस्टर सी जिसने कर्ज कभी दिया था फर्म को, वो मान लो 220 का था जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। इस पर चेंज क्या आएगा लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं, जरा सुनना। यहां पे क्या हुआ बच्चे, सी को गुस्सा आया और एक फर्म से आया पैसा मांगने कि फर्म मेरा पेमेंट करो। फर्म ने कहा कि देखो जी मैं आपको 2 लाख का पेमेंट अभी कर सकता हूं क्योंकि 2 लाख का बिल मेरे पास है, यही दे सकता हूं बस। सी ने कहा कि यार कर्ज तो मेरा 220 का है, कर्ज मेरा 220 का है और आप मुझे 2 लाख का पेमेंट करोगे तो बाकी 20,000 का क्या होगा, बाकी 20,000 का। ध्यान देना पिछले वाले क्वेश्चन में उस 20,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया था, उसने माफ कर दिया था, किसने, सी ने। इस पर ऐसा नहीं हुआ बच्चे, इस पर ऐसा नहीं हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि 2,20,000 का कर्ज है, ठीक है मैं आज यानी कि फर्म आपको 2 लाख का पेमेंट करने को तैयार है बिल्स रिसीवेबल के थ्रू, बाकी का जो 20,000 है, बाकी का 20,000 वो फर्म कहता है कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, बाद में, आज मैं सिर्फ आपको 2 लाख का पेमेंट करने को तैयार हूं। मेरे बच्चे अगर इस बात से एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर सी एग्री हो जाएगा तो ध्यान दीजिए जो 2 लाख का आपने बिल इनको दिया है, क्या सी का पूरा खर्च खत्म हो जाएगा, क्या सी की पूरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, नहीं सर ना, कितना खत्म होगा, 2 लाख। तो कहते हैं कि ये जो बिल आपने दिया है ना, ये दिया है इन पार्ट सेटलमेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट की बात कह रहा था, इस पर क्या बोल रहा, पार्ट सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट का मतलब होता है, पार्ट सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना मैं पेमेंट कर रहा हूं कर्ज आपका उतने से ही खत्म होगा, बाकी कर्ज रहेगा जब वो पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री देख लेंगे। आज फिलहाल हमें क्या करना जी, इसके थ्रू देखना क्या निकल के आएगा। सुनिए मेरी बात, देखो एंट्री क्या बनने वाला है। जरा बताओ फर्म के पास से बिल कितने का चला गया, सर 2 लाख। तो फर्म क्या करेगा, 2BR अकाउंट, ये लीजिए 2 लाख रुपए का बिल चला गया, 2 लाख का बिल। मुझे कोई बताएगा उसको देखकर कि सी की लायबिलिटी जो हमारे बुक से खत्म होगी, फर्म के बुक से आज जो लायबिलिटी सी का खत्म हुआ, क्या वो पूरे 220 खत्म हो गए बच्चे, नहीं सर, कितना खत्म हुआ, सिर्फ 2 लाख। क्योंकि वो कहता है कि पार्ट सेटलमेंट, पार्ट का मतलब कि जितना पेमेंट कर रहा हूं कर्ज उतने से ही कम होगा, बाकी पेमेंट बाद में करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे सी का यहां जो कर्ज है वो 2 लाख से आपको डेबिट करना पड़ेगा। लिख दो यहां कोई डिस्काउंट हमें मिला नहीं, बीइंग बिल या बी आर इंडोर्स्ड टू सी इन पार्ट सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट में आपने क्या किया, यहां पे उसको इंडोर्स कर दिया। आई बात समझ में सर, हां। अच्छा सुनो, फोर्थ एंट्री जो ड्यू डेट की बनने वाली है उसके पहले एक बात समझा दूं। जब मेरी लाइव क्लास होती है बच्चे, तो लाइव क्लास में मान लो अगर 200 बच्चे हैं तो 200 में बहुत नहीं, 2 से 3 बच्चे कुछ पॉइंट रेज करते हैं, उनके दिमाग में एक सवाल चलता है। अगर आप में से किसी भी बच्चे के दिमाग में वो सवाल चल रहा है तो मैं उसको खत्म करूँ अभी। पता उनका सवाल क्या उठता है, किसने एक बात बताओ, 220 में 2 लाख का तो पेमेंट हो गया, बाकी 20,000 जो बच गया उसका क्या होगा, उसकी तो कोई एंट्री आपने नहीं किया। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं बच्चे, वो एंट्री करना भी नहीं है। अरे वो एंट्री तब होगा जब उस 20,000 का पेमेंट होगा, हमने इसका ठीका थोड़ा लिया कि पूरे जिंदगी भर की एंट्री करूंगा।
जो हमने आज पेमेंट किया उससे जो कर्ज खत्म हुआ हमने उसकी एंट्री कर देना है, बाकी एंट्री बाद में जब होगा तो बुला लेना मुझे जब आप उसका पेमेंट करोगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि फर्म के बुक में जो सी का अकाउंट था, मान लो ऐसा था पहले से कितना कर्ज था 220, तो बाई बैलेंस बीडी कर्ज पहले से कितना था जी 220। 220 में जरा बताओ आज हमने बीआर देकर कर्ज कितने से खत्म कर लिया, 200,000 से, तो 200,000 की एंट्री हो गया। कर्ज अभी और कितना बच गया यहाँ पे 20,000 रुपये, तो ये 20 जो बच गया जब मैं एंट्री करूँगा, तो जब पेमेंट करूँगा तो एंट्री कर लूँगा, आज थोड़े कोई उसका एंट्री करना है। तो ऐसे सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप उसको ख़त्म कर लीजिए और लीजिए, मैंने आपकी सारी बातें मान ली। हाँ, ड्यूडेट पे क्या होगा जी, तो फर सी जो होगा बच्चे पैसा रिसीव करेगा, हमें थोड़े कुछ करना है, तो फर्म के बुक में लिख दो यहाँ पे नो एंट्री, कोई एंट्री यहाँ नहीं बनेगा, कोई एंट्री नहीं बनेगा, ये हमने काम पूरा किया। तीन केसेज मैंने ख़त्म कर लिए। पहले वाले केस में बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी था बच्चे, अपने पास रखा था और बिल ऑनर्ड हो गया था, खुद जाकर हमने पैसा लिया था। दूसरे वाले केस में बिल हमने डिस्काउंट किया था। बिल डिस्काउंट का मतलब क्या, बिल बेच देना, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है जी, बिल बेचना उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट करना, जो बैंक ने कुछ चार्जेस काटे थे। तीसरे वाले केस में हमने देखा, तीन क्वेश्चन हमने तीसरे वाले केस को कैसे समझा जी, कि कर्ज के बदले में अगर मैं बिल आपको देता हूं तो उसको कहते हैं बिल को इंडोर्स करना, किसी पेमेंट के बदले में हमने बिल आपको दे दिया। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, हमने तीन तरह के क्वेश्चन देखा और हाँ, दो शब्दों पे हमारी मास्टरी हुई, एक फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है और एक पार्ट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। आइए जरा इसके अंदर में फोर्थ केस के अंदर मैं आता हूँ, फोर्थ केस के अंदर में इसको मैं मिटा दूँ सर। हाँ जी, लीजिए मैं इसको मिटाता हूँ और आपके लिए फोर्थ केस के अंदर आता हूँ। फोर्थ केस लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, केस नंबर फोर, फोर्थ केस कहता है इस पर, इफ बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम आगे बच्चे। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, आपको आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। सर क्वेश्चन पढ़ ले हम लोग, अभी नहीं बच्चे, नहीं पढ़ना आपको। 6 क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले यहाँ समझाऊंगा, उसके बाद आप बुक से पढ़ सकते हैं, जब मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तो फिलहाल क्या करेंगे हम यहाँ समझेंगे, चलिए ध्यान सुनेंगे आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे। जरा बताओ फर्म ने गुड्स किसको बेचा था? सर एक्स को, 2,00,000 का, है ना बच्चे? सर हाँ, फर्म ने क्या रिसीव किया था बच्चे इसके बदले में, बिल कितने का, 2,00,000 का। मैं इसकी पहले एंट्री कर दूं क्या, 6 में लिखो नंबर 1 एंट्री, गुड्स को बेचा हमने एक्स को, तो एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक्स टू सेल्स, कितना अमाउंट आपका है 2,00,000 का। तो हमने गुड्स को 2,00,000 का बेचने का यहां पे एंट्री कर लिया। आपको पता है अगली एंट्री में हमने बिल रिसीव किया एक्स से, तो फिर बच्चे बीआर जो हमारा एसेट्स हम उसको बढ़ा देंगे और एक्स के नाम को हम यहां से हटा देंगे। एंट्री आपका हो गया 2,00,000 एंड 2,00,000 से, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो पहली एंट्री गुड्स बेचने का हो गया, दूसरे में हमने बिल रिसीव कर लिया। तीसरी एंट्री आने के पहले बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से, मुझे इस पॉइंट को आपको समझाना ही है और समझा के दम लूंगा चाहे कुछ भी हो जाएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक कंडीशन को समझने की कोशिश करो। मुझे बताओ फर्म अगर मान लो दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली में, तो क्या इनके जो कस्टमर्स हैं वो दिल्ली में ही होंगे बच्चे या पूरे इंडिया वर्ल्ड में होंगे? सर अगर बात करोगे आप टाटा का, रिलायंस का, विप्रो का, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो सर ऐसी कंपनी कस्टमर पूरे वर्ल्ड में है, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं सर, चलो मैं वर्ल्ड हटाओ, पहले मैं इंडिया की बात कर लूं कि कस्टमर जो आपके हैं, आज बिजनेस इतना एडवांस हो चुका है कि आप यहां पे हो और कस्टमर पूरे इंडिया में फैले हुए आपका। मुझे बताओ कि अगर मैं उन कस्टमर का नाम दिखाऊं, यहां पे कई कस्टमर है इस फॉर्म के, कई कस्टमर है बच्चे, मैं कई कस्टमर दिखा रहा हूं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, कोई मुंबई में है, कोई आपका मान लो यहां पे आंध्र प्रदेश में है, कोई जयपुर में है, कोई मान लो आपका यहाँ पे कितने नाम बताऊँ आपका, सपोज दैट क्या का नाम है, भूल भी गया, हरियाणा में है, गुड़गांव, बहुत सारी जगह है, कस्टमर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, पूरे इंडिया में।
जरा मुझे बताओ कि फर्म जो दिल्ली में, अगर मान लो ए जो मुंबई में, उससे 2000 रुपये लेने हैं, बिल जो है बच्चे, बिल वो 2000 रुपये का है, तो फर्म जरा सोचो अगर मुंबई में जाता है या किसी को भेजता है पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो मेरे बच्चे पेमेंट तो आना है 2000 रुपये, और आने जाने का जो खर्च होगा, रहने का खर्च होगा, कम से कम 20,000 खर्च हो जाएगा, 20,000 रुपये। तो जरा बताओ ना, आया 2000 खर्च कर दिया 20,000 रुपये, ये तो बेवकूफ़ी है। फिर हमने इनको भेजा जी आंध्र प्रदेश, 5,000 रुपये लेने थे और हमने आने जाने में खर्च कर दिया 50,000, 50,000 रुपये। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी परेशानी है कि फर्म खुद सब जगह मूव नहीं कर सकता पैसा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इतने जगह पे वो नहीं बचे, वो कहीं एक जगह से होके काम कर रहा है। पता इसका बेस्ट उपाय क्या है? बेस्ट उपाय जरा बताओ, कौन ऐसा इंसान है जो हमारे कंट्री में पूरे सभी जगह पे फैला हुआ है, सब जगह पे? सर वो है बैंक। मान लो वो बैंक कौन सा है जी? HDFC। मान लो बैंक कौन सा? HDFC। मतलब बच्चे मैं, यानी कि फर्म पूरे देश में नहीं फैले हुए, लेकिन ये जो HDFC बैंक है ना, HDFC बैंक पूरे देश में इसके ब्रांचेज है, पूरे देश में। तो पता क्या होगा, HDFC बैंक इनके पास जाने के बजाय, एक्स के पास जाने के बजाय, मैं एक्स पे लेकर आता हूँ पॉइंट आपका, जो फर्म है वो एक्स के पास जाने के बजाय क्या करेगा, ये बिल जो है ना बच्चे 2,00,000 का, वो बैंक को दे देगा कि बैंक ये 2,00,000 का बिल जो है ना आप अपने पास रखो, लेकिन ध्यान रखना मेरी अमानत है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये, मैं आपको देता हूं, अपने पास रखो। आज से 3 महीने के बाद, क्योंकि बिल 3 महीने का है, आप ड्यू डेट पे इनके पास जाना और एक से पैसा कलेक्ट करना, और पैसा कलेक्ट करके आप मेरे अकाउंट में जमा कर देना। मेरी बात ध्यान सुन रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? फर्म ने कहा कि 2,00,000 का बिल है, मेरा बिल है फर्म का, मैं आपको देता हूं, आपको बेच नहीं रहा मैं, बिल आपको बेच नहीं रहा, बिल मेरा ही है, आपको देता हूं, संभाल के रखो 3 महीने। जब ड्यू डेट पे आएगा तो आप एक्स के पास जाना, पैसा कलेक्ट करना, और पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा करना, मेरे अकाउंट में, क्योंकि बिल हमने आपको बेचा नहीं है कि बिल का पैसा आप रखोगे अपने पास, हमने बिल दिया जी कलेक्ट करने के लिए। मेरे बच्चे आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें लिखा हुआ कि बैंक जो है एक आपका एजेंट के रूप में काम करता है, तो आप यहां पे क्या करो, उसके उसी एजेंसी, एजेंट का मतलब क्या, जो आपके भी यहां पे काम करेगा, आप उसके सर्विसेज एंजॉय करना चाहते हो, ध्यान सुनना, आपने क्या किया, बिल इनको दे दिया कि बैंक बिल अपने पास रखो, बिल इस पर बेच नहीं रहा। याद कीजिए केस नंबर 2 में जब बिल डिस्काउंटेड था तो हमने बिल बैंक को बेच दिया था, इस पर बेचा नहीं, मेरा बिल है अपने पास रखो, 3 महीने के बाद आप जाना इनसे पैसा कलेक्ट करना, और पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा कर देना, मेरे अकाउंट में जमा कर देना। हाँ, आप इस एजेंसी के बदले में हमसे कुछ चार्जेज ले लेना। मान लो यहाँ पे बैंक चार्जेज जो क्वेश्चन बता रहा है, मान लो कि बैंक चार्ज कहता है कि हम 50 रुपये लेंगे, तो ठीक है ले लेना जी, एजेंट हो, जब भी कोई काम करोगे कुछ पैसा लोगे लोगे। बोलता बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? पहले मुझे ये बताइए कि क्या बिल फर्म ने बैंक को बेच दिया बच्चे? ना 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 ना, बिल बेचा नहीं बच्चे, बिल दिया कि रखो अपने पास, ड्यू डेट पे जाना, उनसे पैसा कलेक्ट करना, फिर मेरे अकाउंट में जमा कर देना। अगर बिल आपने बेचा नहीं है और बैंक को दिया है कलेक्शन करने के लिए, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल हमने कलेक्शन करने के लिए दिया है और ड्यू डेट पे क्या होगा, बिल मेट होगा। तो आइए जरा मैं आपको बताऊं कि जब बिल मैं कलेक्शन के लिए दूंगा तो एंट्री क्या होगा। बिल्कुल लॉजिकली मेरी बात सुनेंगे, रटना नहीं आपको। ये देखो क्या होगा, हमारे पास से बिल चला जाएगा, क्योंकि ये बिल फर्म से कहाँ चला गया, बैंक के पास। तो फर्म अपने पास से क्या करेगा, बिल रिसीवेबल को हटा देगा। बिल हमारे पास से चला गया, कितने का बिल आपको आया जी? 2,00,000 रुपये का, ठीक है ना। बट सवाल उठा कि बिल तो चला गया जी, आज क्या आज पैसे हमें मिले बच्चे? क्या आज फर्म के अकाउंट में कोई पैसा आया? नहीं आया। अरे बिल बेचा कहाँ है बच्चे, कहाँ बेचा? हमने तो दिया कि रखो अपने पास, ड्यू डेट पे कलेक्ट करना, मुझे पैसा दे देना जब कलेक्शन होगा। तो आज पैसा नहीं आया, तो फिर सवाल उठता है कि यार पैसा भी नहीं आया, बिल चला गया, तो फिर मैं एंट्री कैसे कंप्लीट करूं? तो सुनो मेरी बात, अकाउंट्स हमें क्या कहता है, अकाउंट्स कहता है कि देखो जी बिल जब तक आपके पास रहेगा, आप उसको बिल्स रिसीवेबल कहना। अगर आपका बिल, बिल आप ही का है, अगर वो बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो जो बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, बैंक के पास पड़ा हुआ है, उसको एक डमी नाम देना जिसका नाम होगा
बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सुनना, बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, आपको नहीं होने दूंगा। कोई इंसान आपसे पूछ लेना बाहर वाला कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहना मेरे बच्चे, आप कहना कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो है वो फर्म का एक एसेट रिप्रेजेंट करता है, एक एसेट। एक्चुअली एसेट्स के कई नाम है। जब वो बिल हमारे पास था, मैं उसको BR कहा करता था। मेरा बिल बैंक के पास पड़ा हुआ तो उसको किस नाम से जानूंगा जी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, बिल ही, लेकिन दो अलग जगह चला गया। पहले हमारे पास था, फर्म के पास, तो हम उसको BR कहा करते थे। अब हमारा बिल अगर बैंक के पास पड़ा हुआ है एज अमानत, एक प्रॉपर्टी के रूप में, तो हमने क्या बोला, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ध्यान दीजिए, ये फर्म का एसेट्स ही बता रहा है, क्योंकि अभी भी फर्म का ही बिल है, सिर्फ बैंक को हमने दिया जी रखने के लिए आपका। सर ठीक है, ठीक है सर। अब जरा बताओ ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे मेरी बात सुनना अच्छा लगेगा। आप बताइए ड्यू डेट पे इस एक से पैसा मांगने कौन जाएगा, बताओ ड्यू डेट पे एक से पैसा मांगने कौन जाएगा। सर ड्यू डेट पे एक से पैसा मांगने फर्म गया होगा, है ना बच्चे, सॉरी HDFC बैंक। आप बताओ जो पैसा इससे लिया होगा 2 लाख रुपए, क्या HDFC बैंक वो 2 लाख रुपए ड्यू डेट पे अपने पास रखेगा या फिर फर्म के अकाउंट में जमा करेगा, बोलो ना। जो बिल बैंक के पास था कलेक्शन करने के लिए, हमने बिल बेचा नहीं था, वो बिल जब लेकर आप गए एक से, एक ने पैसा पे कर दिया, तो वो पैसा HDFC बैंक अपने पास रखेगा या फिर फर्म के अकाउंट पे जमा करेगा, मतलब फर्म के नाम पे, सिर्फ फर्म के नाम पे, फर्म के नाम पे, फर्म ने थोड़े पैसा पहले लिया था। ठीक बोला आपने। तो देखो मैं अब यहां चौथी एंट्री क्या करूंगा। अब फर्म क्या करेगा बच्चे, इस एसेट्स को हटा देगा। अब जो बिल मेरे पास, मेरा जो बैंक के पास पड़ा हुआ था, अब उसको हटा दो क्योंकि इसके बदले में पैसा आ गया है। तो आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जो आपने डेबिट किया था उसको आप हटा दीजिए, हटा दीजिए। और इसके जगह पे मेरे बच्चे, इसके जगह पे क्या करेंगे, आपने कैश रिसीव कर लिया बट क्योंकि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में गया होगा, बैंक ने पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया होगा, तो आप बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे 2 लाख का अमाउंट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। तो लिखो ना, इसका लिख दो नरेशन पहले ताकि क्लियरिटी आ जाएगी रिवीजन के टाइम पे। इसका नरेशन है बीइंग BR यानी कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन, हमने बैंक को जो कलेक्शन के लिए दिया हमने उसकी एंट्री पास की है, ये एंट्री बना बच्चे आपका। और ये क्या है, बीइंग BR बिल ऑनर्ड हो गया, ऑनर्ड यानी कि पैसा मिल गया ऑन ड्यू डेट। जब पैसा मिल गया तो हमने क्या किया जी, हमारा बैंक में पैसा बढ़ गया है और इस नाम को हमने हटा दिया। हाँ, बैंक ने हमसे अलग से चार्जेस लिए हैं तो हम उसकी एंट्री कर देंगे। कितना चार्ज काटा बैंक ने, 50 रुपीज। बताओ बैंक अगर चार्जेस काटेगा तो क्या आपसे पैसा मांगने आता है ना, आपके अकाउंट से ही माइनस कर देता है। तो पता क्या करेंगे, बैंक ने जो चार्ज काटा वो फर्म का एक्सपेंस है, एक्सपेंस भरना डेबिट होता है, बचपन से सीख रहे हम लोग यहाँ पे। तो बैंक चार्ज को डेबिट कीजिए 50 रुपीज आप, और क्या बोलना जी, बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर लिया होगा तो हमारा बैंक में 50 रुपये यहाँ से माइनस हो गया होगा। एंट्री समझेंगे, बैंक चार्ज मेरा एक्सपेंस है, हमने डेबिट किया और बैंक से हमारा पैसा कट गया होगा जी चार्ज, तो हमने क्या किया, बैंक से माइनस कर दिया। बैंक हमसे मांगने नहीं आता, अकाउंट से ही माइनस कर लेता है। सर बाबू तो क्या ये दोनों एंट्री क्लब नहीं हो सकती? कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं, बट क्यों करेंगे, अच्छा लग रहा है, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, पूरी बात दिमाग में बैठेगी आपका। चार्ज की एंट्री हमेशा अलग से कर देना, इसकी एंट्री अलग कर देना, ठीक है ना। तो लीजिए, हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन का भी मतलब आपको बता दिया। कोई बाहर वाला इंसान, जब आप क्लास से बाहर निकलेंगे और कोई पूछ दे कि जरा बताओ जी बिल सेंड फॉर कलेक्शन ये आपका एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है, तो बोलना कि एसेट्स है। बिल जब तक हमारे पास था हम उसको BR कह करते थे, हमारा बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये एसेट्स होता है बच्चे। अच्छा सर, तो लीजिए मैंने आपको चार केसेज प्रॉपर तरीके से समझाए हैं। पहले वाले केस में क्या था बच्चे, बिल कैपिटल मैच्योरिटी, दूसरे वाले में बिल डिस्काउंटेड, तीसरे वाले में बिल हमने क्या किया था जी आपका इंडोर्स किया था, चौथे में बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपका। चारों केस मैंने बताया है। मैं इस पर कुछ नोट लिखाना चाहता हूँ आपको, कुछ थ्योरी के साथ साथ। हम उस नोट को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये तो ऑनर्ड की बातें हो रही हैं, अगर बातें डिसऑनर्ड की हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो आओ जरा यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे आप मेरे साथ करेंगे, मेरे साथ करेंगे यहाँ पे नोट नंबर 1।
लिखी मेरे साथ नोट नंबर वन। एक काम करना, नोट नंबर वन में आपको दिखा रहा हूं एंट्रीज फॉर ऑनर्ड ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट एट अ ग्लांस। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमने ऑनर्ड वाली जो एंट्री की चारों केस में ड्यू डेट के टाइम पे वो एंट्री क्या गया था, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आए। देखो मैं क्या करूँ, पहले देख लो उसके बाद जगह बनाना आप। मैं आपके रजिस्टर के पेज के ऊपर से छः से सात लाइन जगह जो है उसको चार पार्ट में यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। पहले समझ लो उसके बाद लिखना, चाहो तो जब समझ में आ जाए तो वीडियो पॉज कर लेना उसके बाद लिख देना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास चार केस था। पहला केस क्या था जी, बिल जो आपका था केप्ट टिल मैच्योरिटी था ना बच्चे, पहला सर हाँ। दूसरा था बिल आपका डिस्काउंटेड, बिल जो था आपने डिस्काउंट किया था, डिस्काउंट का मतलब कि आपने बैंक को बेच दिया था। तीसरे वाले केस में बिल यानी कि बीआर आपने इंडोर्स किया था बच्चे क्रेडिटर को। और चौथे में आपका बिल आपने सेंड किया था, सेंड फॉर कलेक्शन, हमने बैंक को दिया था कलेक्शन करने के लिए। आज जरा एक बार देखें एट अ ग्लांस कि हमने क्या एंट्री करना है, यहाँ पे क्या एंट्री करना है चारों ही केस में। बताइए जरा कि ड्यू डेट पे जो आपने एंट्री पास किया था पहले वाले केस में क्या एंट्री हुआ था, बताओ जरा। ड्यू डेट पे हमने पैसा रिसीव किया था, याद कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री की बात कर रहा हूं आपका ड्यू डेट पे, और आपके पास से बिल चला गया था टू बीआर अकाउंट, यही किया था ना बच्चे सर हाँ। आप बताओ डिस्काउंटेड वाले केस में क्या एंट्री किया था, नो एंट्री, क्योंकि बिल आपने बैंक को बेच दिया था तो पैसा बैंक ने कलेक्ट किया अपने पास रखा, आपको थोड़े दिया था। तो मेरे बच्चे यहां पे ड्यू डेट पे हमारे बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुआ था। इंडोर्समेंट में क्या हुआ था, नो एंट्री, क्योंकि पैसा सी ने कलेक्ट किया अपने पास रखा, हमें कुछ नहीं। हाँ यहां पे एंट्री क्या किया था जी हमने, तो याद कीजिए बैंक में पैसा गया था ड्यू डेट पे, बैंक ने पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा किया था और आपने कहा था टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अभी मैं बैंक चार्ज की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंपली यहाँ पे जो हमने ऑनर्ड की एंट्री किया था ड्यू डेट पे चारों ही केस में। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर नहीं, ये ठीक है। तो ये हमारा नोट नंबर वन हुआ। अब देखो ये जो नोट नंबर वन है इसको यहाँ से आपने क्या किया, क्लोज कर दिया। थोड़ा सा जगह अभी छोड़ा हमने यहाँ पे, क्यों छोड़ा मैं आपको बताऊंगा। आप ये जगह आप भी छोड़ेंगे और फिर मेरे साथ लिखेंगे नोट नंबर टू। आप ये जगह छोड़ के नोट नंबर टू पे आप आइए मेरे साथ यहाँ पे। नोट नंबर टू सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, लिखेंगे अब यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से पार्टीज हैं जी जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, मतलब कौन कौन से लोग होते हैं। तो लिखिए नंबर वन पहला ड्रॉवर। फिर ड्रॉवर कौन होता है, तो हमने बताया था ना, लिखेंगे द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल ड्रॉ करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। बताइए कि हमारे ऊपर के चार केसेज में कौन ड्रॉवर था, सर फर्म था, फर्म। तो रिवीजन में दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता दूं यहां पे फर्म था बच्चे, एग्जाम में फर्म नहीं लिखना आपको, सिर्फ ये लिखना है। सेकेंड में आई जरा यहां पे ड्रॉई कौन था बताइए, तो लिखेंगे द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं आपका ड्रॉई। जरा बताइए हमारे एग्जाम्पल में कौन था, वो मिस्टर एक्स था बच्चे। हाँ मैं कह सकता हूँ इसके बाद आगे कि ड्रॉई इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर ऑफ बिल, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर ऑफ बिल, आप एक्सेप्टर ऑफ बिल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना सर हाँ जी, ड्रॉवर हो गया, ड्रॉई हो गया। तीसरा आप यहां लिखेंगे पे। सर पे कौन होता है, नाम को ध्यान से शब्दों को मैच करेंगे आप, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये क्या बोलते हैं पे का मतलब, द पर्सन
ऑब्लिक पार्टी हु रिसीव्स अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट फ्रॉम ड्रॉई। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए क्या बोला, कि जो आदमी या जो पार्टी रिसीव करता है, रिसीव अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट फ्रॉम द ड्रॉई, ड्रॉई से ड्यू डेट पे जो आदमी पैसा रिसीव करेगा, मेरे बच्चे वही पे ही कहा जाएगा। बात समझ रहे हो सर? हाँ। तो देखो एक सवाल पूछूंगा अभी गारंटी के साथ, आप में से कोई बच्चा उसको जवाब सही नहीं देगा, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं जी आप सही जवाब दोगे, तो जरा मेरे इस मिथ को आप तोड़ना। देखो अभी तक जितने सारे बच्चों से सवाल पूछा, सबने गलत जवाब दिया, आज तक की बात कहता हूं, देखता हूं आपका क्या होता है। लेकिन फिलहाल पहले इसको समझा दूं, उसके बाद उस सवाल पूछूंगा। ये देखो जरा यहां पे ही का मतलब जो आदमी या जो पार्टी ड्यू डेट पे पैसा रिसीव करता है उसको बोलते पे। मुझे बताइए कि पहले वाले केस में पैसा किसने रिसीव किया था, जो फर्स्ट केस किया था पैसा किसने रिसीव किया था? तो देखो याद कीजिए, फर्म ने ही पैसा रिसीव किया था। पैसा किसने रिसीव किया? जब फर्म ने, याद कीजिए, 3 महीने तक बिल फर्म ने अपने पास रखा था और जाके ड्यू डेट पे पैसा रिसीव किया था। तो मान लो आप नीचे वाले कॉलम लिखेंगे आप कि अगर कोई बोले कि जरा बताओ पहले वाले केस में पे ही कौन है, तो क्या बोलूंगा, फर्म हमारा पे ही है। फर्म मतलब फर्म हमारा ड्रॉअर भी था बच्चे, जिसने बिल लिखा था, और वही पे ही है क्योंकि वही पैसा रिसीव कर रहा है। ठीक है, जरा बताओ सेकेंड वाले केस में जब बिल हमने बैंक से डिस्काउंट किया था, तो ड्यू डेट पे एक से मतलब ड्रॉई से पैसा किसने लिया था? सर बैंक ने। तो पे ही कौन हो गया? HDFC, यानी कि बैंक हो गया बच्चे यहां पे। ठीक है ना, जो पैसा रिसीव करेगा ड्यू डेट पे वही पे ही होता है। तो पे ही कौन यहां पे हो गया? आपका बैंक हो गया। आप बताओ जब बिल हमने इंडोर्स किया था सी को, तो पे ही कौन था? सर सी, क्योंकि ड्यू डेट पे सी जाके पैसा रिसीव किया था बिना किसी डाउट के। ये बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए सर। ठीक है, ये तो सर बैठ गया, लेकिन सर मुझे ये बताओ कि इस लास्ट वाले केस में कौन पे ही होगा? ना, आप ना पूछो मुझसे, ये आप ना पूछो, ये मेरा सवाल है, ये हर एक क्लास में मैं पूछता हूं, इसमें मेरा अधिकार है पूछने का। बच्चे आप कैसे पूछ सकते हो? इतनी सारी बातें मैंने समझा दी, इतने सारे नोट लिखा दिए, आप मुझे बताओ कि ये चौथे वाले केस में पे ही किसको बोलूंगा? क्योंकि पे ही का मतलब होता है कि जो आदमी ड्यू डेट पे पैसा रिसीव करता है हम उसको पे ही बोलते हैं। जरा बताओ पे ही कौन बनेगा? अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने को तैयार हूं। अगर आपका आंसर जो मैं बताऊंगा यहां पे उससे मैच कर गया, तो आप मुझे एक बार कह देना, मैं आऊंगा और जहां भी जिस स्टेट में जिस देश में आप होगे वहां पे आके आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई बच्चा इसका सही जवाब दे ही नहीं दे सकता। अगर आपने यही सोचा होगा जो मैं बता रहा हूं, तो आप मुझे सिर्फ बता देना, मैं पक्का खिलाऊंगा चॉकलेट। सुनो पहले मेरा हिंट लो, मैं आपको एक हिंट देता हूं और हिंट में दो ऑप्शन दे देता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप बता देना, आंसर उसी में से कोई एक है। सुनिए, पे ही का मतलब होता है बच्चे जो ड्यू डेट पे जाके पैसा रिसीव करता है फ्रॉम ड्रॉई। तो साफ साफ शब्दों में अगर देखा जाए, तो जरा बताओ ड्यू डेट पे एक से पैसा मांगने कौन गया था? बैंक। हमने बिल बैंक को दिया था ना बच्चे कि जाओ कलेक्ट करना। तो जो ड्यू डेट पे पैसा रिसीव कर रहा वो कौन है जी? HDFC बैंक, उसने पैसा रिसीव किया। तो एक मैंने हिंट के साथ, लॉजिक के साथ आपको बताया कि जो बंदा पैसा रिसीव करेगा हिज कॉल्ड पे, तो यहां पे बैंक ने जाके ड्रॉई से पैसा रिसीव किया, तो बैंक पे ही है, पहला ऑप्शन। दूसरा, नहीं सर आप गलत हो सर। अरे बैंक क्यों? जरा बताओ, बैंक ने पैसा कलेक्ट करके ड्यू डेट पे अपने पास रखा कि वो फर्म के नाम पे जमा किया? बताओ ना सचमुच में, कि आपने जो चौथा केस पढ़ा था, चौथे वाले केस में पैसा बैंक ने जो कलेक्ट किया था ड्यू डेट पे,
वो पैसा अपने पास रखा के फर्म के अकाउंट में जमा किया, सर फर्म के अकाउंट में जमा किया था, फर्म के अकाउंट में, तो फिर पैसा तो फर्म ने रिसीव किया, यानी कि मैं यहाँ पे फर्म को पे ही कहूँगा। पे जो होगा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि सर पे ही कौन है, तो पे इन्हीं में से कोई एक मुझे लग रहा है। जरा आप मुझे बता दो कौन सा बंदा सही लगता है आपको जी पे, आप जो बताओगे वही बात मान लूंगा। बोलो जरा कौन पे है यहाँ पे, बोलो जरा। मैं थक चुका हूँ इतने समय तक आपको समझाते समझाते, मुझे विश्वास है कि आप सही जवाब देंगे, लेकिन आत्मा मेरी कह रही कि आप कभी सही हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। सर सोच लिया सर, फिर बताओ ना आंसर क्या है। सर पे ही यहाँ पे होगा, फर्म होगा, फर्म पे ही सर यहाँ पे फर्म होगा। अरे पैसा एक्चुअली फर्म के ही तो अकाउंट में गया, सर फर्म होगा, यही सोच रहे हो ना सर। हाँ कुछ बच्चे बोलते कि नहीं सर पे यहाँ पे कौन होगा जी, HDFC बैंक आपका होगा क्योंकि बैंक ने पैसा रिसीव किया, कुछ यही सोच रहे हैं सर। हाँ सर छोड़ो ना, बताओ ना हम क्या सोच रहे हैं, छोड़ो दिमाग फट रहा है, बताओ आंसर सही क्या है सर, आंसर बताओ। तो मेरे बच्चे आंसर, अगर आप सोच रहे हो कि फर्म है पे, अगर आप सोच रहे हो फर्म है पे, तो मेरे बच्चे ये आंसर गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मुझे पता है आप बदमाश हो, आप यही सोच रहे थे। अरे पे यहाँ पे HDFC बैंक है, लिखो पहले यहाँ पे HDFC, फिर मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ ऐसा क्यों, लिखो पहले यहाँ पे। सर लिख लिया सर, लेकिन सर आत्मा गलत जवाब दे रही है, बोले कि ऐसा थोड़े है, वो तो फॉर्म होना चाहिए। आओ मैं फिर यहाँ पर दिखाऊँ आपकी आत्मा को। अरे साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो भी इंसान पैसा रिसीव करेगा ड्यू डेट पे ड्रॉरी से, उसी को बोलते पे, जो पैसा रिसीव करेगा। बताओ पैसा रिसीव किसने किया, मतलब ड्रॉई से पैसा मांगने गया कौन, पैसा रिसीव किसने किया बच्चे? सर बैंक ने रिसीव किया है, बैंक ही बिल को लेकर जाके प्रेजेंट किया, पैसा रिसीव किया, तो मेरे बच्चे बैंक जो है वो पे कहा जाएगा। हमने कहां लिखा है, कहां लिखा कि अल्टीमेटली जो पैसा रिसीव करता वो पे होगा, कहीं लिखा बच्चे हमने अल्टीमेटली? ना, तो साफ साफ शब्दों में तो लिखा हुआ है जो पैसा ड्यू डेट पे ड्रॉई से रिसीव करेगा हिज कॉल्ड द पे, सिंस बैंक हैज रिसीव दैट अमाउंट ऑन ड्यू डेट फ्रॉम पे ड्रॉई आपका हिज कॉल्ड द पे, दैट्स इट। और कोई यहां पे इफ और नहीं है। अगर आप कहते हो कि सर अल्टीमेटली पैसा तो बैंक फर्म के पास गया, तो बदमाश चारों केस में अल्टीमेटली पैसा फर्म के पास ही गया है। ये पैसा यहाँ पे हमने पहले ले लिया था बैंक से, आपका बैंक से, यहाँ सी सम बहुत पहले पैसा ले चुके हैं, तो पैसा एनी हाउ अल्टीमेटली तो फर्म के पास ही आ रहा है, लेकिन फर्म थोड़े पे ही हो जाएगा। पे ही का मतलब होता है ड्यू डेट पे जो पैसा रिसीव करेगा वही पे ही होगा, और वही पे ही होगा, बस। आई बात समझ में सर? हाँ तो ठीक है, अब देखो फोर्थ नोट मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, नज़र यहाँ डालो, नज़र यहाँ देखो। पहले वाले केस में जो ड्रॉवर था बच्चे, ड्रॉवर था और जो पे ही था, दोनों सेम है, फर्म ही ड्रॉवर है और फर्म ही पे ही है पहले वाले केस में, लेकिन सारे केस में नहीं, सिर्फ फर्स्ट केस में ड्रॉवर और पे ही सेम है। ड्रॉवर और पे ही दोनों कौन है आपका? फर्म। ड्रॉवर एंड पे कौन है? फर्म। दूसरे वाले केस में ड्रॉवर तो फर्म है लेकिन पे ही कौन है बच्चे? HDFC बैंक। यहां ड्रॉवर तो फर्म है लेकिन पे ही कौन है आपका? सी, और यहां पे बैंक। तो अगर एग्जाम में ऐसा वर्ड आ जाए, लिखो यहां पे, अगर कहता है क्वेश्चन कि ड्रॉवर एंड पे ही मे बी द सेम पर्सन, अगर कहता है कि दोनों आपके यहाँ पे सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, तो बच्चे ऐसे सेंटेंस को आप ट्रू कह देना, ये ट्रू है, सही है। लेकिन अगर आ जाए कि ड्रॉवर एंड पेई विल ऑलवेज बी द सेम पर्सन, अगर ऑलवेज कहता है तो बोलना कि ना ये गलत है, फिर आप इसको फॉल्स की कैटेगरी में आप डाल देंगे, गलत है बच्चे आपका। ड्रॉवर पे मे बी द सेम पर्सन ट्रू, लेकिन ऑलवेज थोड़ा ही है, सिर्फ एक केस में दिख रहा है, बाकी में हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपका। आई बात समझ में सर? हाँ जी। तो देखो आप समझो मेरी बात, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इंटरेस्टिंगली हम बातों को समझेंगे। आज हमने कुछ भी नहीं कराया, आज तो मैंने बताया जी चार केसेज आपके ऑनर्ड के क्या होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, डिस्काउंट पे एक छोटा सा क्वेश्चन और डालता हूँ और फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चे, तो हम देखेंगे केस ऑफ डिसऑनर्ड कुछ और थ्योरी के साथ, लेकिन मुझे आपकी इंटेलिजेंसी थोड़ी चेक करनी है।
तो देखो जरा थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाऊंगा और आप वहां भी परेशान हो जाएंगे। एक छोटा सा ट्विस्ट के वह क्वेश्चन बनाऊंगा, मुझे विश्वास है वहां भी परेशान हो जाएंगे। उसी परेशानी को खत्म करने के लिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन बना रहा हूं। चिंता नहीं करना, जितने क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा उसके बाद सारे कंसेप्ट खत्म हुए, परेशानी खत्म हुई। लिखेंगे आप यहां पर एग्जाम्पल, ये बुक में क्वेश्चन नहीं है बच्चे, अलग से ले रहा हूं आपको। ऑन 1st January 2017 फर्म सोल्ड गुड्स टू राम फॉर रुपीज 5 lakhs। 5 lakhs लिखेंगे यहां पे आपका ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे कहता है कि बेचा आपका इस दिन को, फुल स्टॉप। कहता है कि इमीडिएटली फर्म रिसीव्ड एक्सेप्टेंस, इमीडिएटली फर्म रिसीव एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद कहता है जी कि आपका यहां पे पेबल होगा, ठीक है ना। ध्यान सुनना आगे क्या बता रहा है यहां पे, कहता है ऑन 1st February 2017 कहता है कि फर्म डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल विथ एच डी एफ सी बैंक किसी बैंक से हो सकता है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये डिस्काउंट चार्ज होगा बच्चे आपका। कहता है कि ऑन ड्यू डेट बिल वाज मेट, कहता है कि बिल जो आपका है मेट हो गया। बोलता है यहां पे मेक एंट्रीज, आपको एंट्रीज करना है। ध्यान दीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं ब्रैकेट में, इग्नोर ग्रेस पीरियड। मतलब ग्रेस पीरियड क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में आपको नहीं समझाया है, इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ अगली क्लास में लेकर आऊंगा, तो ग्रेस पीरियड को दिमाग से निकालते हुए इस क्वेश्चन को हमें समझना कि क्या निकल के आएगा। आओ जरा लिखो मेरे साथ यहां पे सॉल्यूशन। इस बार डेट वाइज एंट्री करेंगे हम लोग, 1st January 2017 को। अच्छा एंट्री किसके बुक में हो रहा है बताइए, इन द बुक ऑफ फर्म। आज हम सारी बातें फर्म के बुक में यानी कि ड्रॉअर के बुक में सीख रहे बच्चे। देखो ना आज फर्म ने गुड्स बेचा है तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगा। सर राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है गुड्स बेचा जी हमने, 5 lakhs का मेरे बच्चे सेल हुआ है तो 5 lakhs की हमने एंट्री कर दी यहां पे, कोई डाउट नहीं सर। कहता कि आज ही यानी कि 1st January 2017 को फर्म ने इमीडिएटली उनसे एक्सेप्टेंस लिया है, मतलब बिल्स रिसीवेबल, तो एंट्री हो गया BR अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। ये लीजिए हमने क्या किया, 5 lakhs का यहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव कर लिया, हमने एंट्री यहां पे कंप्लीट की। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर ये तो सब पुरानी एंट्रीज है, बताओ ना सर आगे क्या करना है। अब देखो 1st February को बस यही पॉइंट मुझे समझाना है, 2017 को आपने क्या किया, बिल डिस्काउंट कर लिया। तो मेरे बच्चे बिल डिस्काउंट करने से आप जानते हैं कि जो BR आपके पास था वो चला गया, जो 5 lakhs था BR वो क्रेडिट आपका हो गया, 5 lakhs BR चला गया। बैंक में जो पैसा आया जब बिल डिस्काउंट करेंगे तो बैंक में जो पैसा आएगा उसमें बैंक को बढ़ा देंगे और जो चार्जेज बैंक ने काटा होगा हम उसको डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना बच्चे। सर हाँ लेकिन पता है मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि डिस्काउंट कितने समय का कटेगा, डिस्काउंट कितने समय का। तो मैं ना एक काम करता हूँ आपके लिए, ये बात ना मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ अच्छा लगेगा। जरा बताओ गुड्स बेचने का और बिल रिसीव करने का एंट्री कब हुआ है, 1st January 2017। बिल कितने महीने का बच्चे, 3 महीने का। तो 1 January से काउंट करना 3 महीना, 1 February, 1 March, 1 April, यानी कि इसका ड्यू डेट जो आएगा 1 April 2017 को बनेगा इसका ड्यू डेट। बात समझ में आ रही है सर। हाँ जी जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि क्या बिल हमने जो बैंक को डिस्काउंट कराया था क्या 1st January को किया था, नहीं सर 1st February को किया था। तो मेरे बच्चे ये जो डेट है ना 1st February, यहां कहता है कि आपने BR जो है आपने डिस्काउंट किया है, बिल जो आपने है
इस दिन पे क्या क्या डिस्काउंट किया है, 1 फरवरी को बिल आपने क्या क्या डिस्काउंट किया है। मेरी बात समझो, आपने 1 फरवरी को अगर बिल डिस्काउंट कराया तो मुझे बताओ बैंक जो चार्ज काटेगा डिस्काउंट का, ये जो 5 लाख का बिल है, 5 लाख के बिल पे 12% के हिसाब से जो डिस्काउंट चार्ज काटा जाएगा वो कितने महीने का काटा जाएगा, बताओ ना कितने महीने का, बताओ जरा कितने महीने का। क्या बैंक को मैं पूरे 3 महीने का चार्ज कटवाऊंगा बच्चे, क्या बैंक पूरे 3 महीने का काटेगा? ना 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 ना, ना। बैंक उतने समय का ही चार्ज काटेगा जितने समय बिल बैंक के पास रहेगा। कॉमन सेंस यार, अगर हमने 1 महीना रख लिया तो बिल जो बैंक के पास है, जो बिल जो बैंक के पास है, सिर्फ 2 महीने तो रहेगा। अगर बिल बैंक के पास 2 महीने रहेगा तो बिल का 5 महीने का चार्ज या 3 महीने का बैंक कैसे काट सकता है, समझो मेरी बात। अगर हमने 2 महीना पहले बिल का डिस्काउंट कराया हुआ है तो ध्यान दीजिए जितने समय बिल बैंक के पास रहेगा डिस्काउंट चार्ज बैंक उतने महीने का ही काटेगा, क्योंकि बिल 2 महीना उसके पास है तो 2 महीने का चार्ज आप यहाँ काटेंगे। बताइए कितना आ गया, सर ये आ गया आपका 10,000 का अमाउंट, 10,000, समझो मेरी बात। ये बातें एग्जाम में बहुत बनती है, बच्चे परेशान होते हैं जो आपको नहीं होना। तो डिस्काउंट कितना कट गया जी, 10,000, तो बताओ ना बैंक में कितना आ जाएगा, सिर्फ 4,90,000 का अमाउंट, 490, बस खत्म हो गई बात। ड्यू डेट कब आ गया आपका, 1 अप्रैल 2017, है ना बच्चे, ड्यू डेट पे आपका क्या बाजे, बिल कहता है कि मिट हो गया। तो आइए जरा बताओ हमारे बुक में क्या एंट्री होगा, सर नो एंट्री। जब बिल हम बैंक को बेच चुके हैं तो बैंक पैसा कलेक्ट करेगा, अपने पास रखेगा, हमें एंट्री यहाँ पे क्या करना, हमें कोई एंट्री पास नहीं करना। लीजिए हमारा काम यहाँ पे पूरा आपका हो गया, सिर्फ ये पॉइंट मुझे समझाना था, बाकी बातें तो सिंपल है। तो ध्यान दीजिए आज मेरे बच्चे हमने क्या किया, ऑनर्ड के बारे में सीखा कि अगर बिल ऑनर्ड होगा तो क्या होगा। आज मैं क्लास यहीं पर रुकूंगा, मुझे पता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो जो मेरा डाउट सेशन का टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर में आप मुझे कॉल कीजिए, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देता हूँ। चलिए तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना, किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना। ओके बच्चे, थैंक यू।